أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Welcome to the class 31st of Webinar Mobile Hybrid Application Development. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी अनाउंस कर गया था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि OLX की सबमिशन डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 1 November 2020, दैट इज नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे तक जिसने OLX एप्लीकेशन प्रॉपरली बनाई होगी विद ऑल द फीचर्स व्हिच इज देयर इन OLX विल बी द वन हु आर गोइंग टू कंटिन्यू द कोर्स. फिर आपकी ये बात कि सर आप तो बातें कर देके चले जाते हो, आपको सिर्फ बातें करने आती है, आपने एक जमाने में वादा किया था उसको निभाया नहीं, चैट एप्लीकेशन के हवाले से आपने कहा था बट आपने अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, ऑल द फीचर्स मतलब जो जो चीजें हमने सिखाई है जिसके ब्याह में आप लोग बना सकते हैं. अच्छा, अनदर थिंग इज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आज जिस तरह आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी सकते हैं कि हम चैट एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट रिडक्स आज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. सो आई होप आई बिलीव दैट यू पीपल आर गोइंग टू एंजॉय टुडेज क्लास. और कुछ एक एक जो आपसे ऑलरेडी हमने कमिटमेंट ली भी है कि बाय द एंड ऑफ नवंबर आप लोगों में से जो बंदा मिनिमम $5 मैक्सिमम $500 कमाएगा विल बी एलिजिबल टू सेट इन हैकाथॉन. हमने आपको फाइवर पे गिग बनाना सिखा दी है. अब आप में से वो शख्स कि जो मिनिमम $5 या मैक्सिमम $500, देखो एक तो 1 November की डेडलाइन होगी फॉर OLX एप्लीकेशन, फिर एक आज जो हम चैट एप्लीकेशन बना के सिखा रहे हैं आप लोगों को तो उसकी आप लोगों को डेफिनेटली वो एप्लीकेशन भी बनानी है, आप उसको OLX में भी इंटीग्रेट करेंगे अलग से भी बनाएंगे. और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको मिनिमम $5 और मैक्सिमम $500 की अर्निंग करनी है. सो इंशाल्लाह आई होप वी बिलीव वी ट्रस्ट ऑन यू पीपल दैट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. फाइवर की मेजर फ्रीलांसिंग की टर्मिनोलॉजी और फाइवर के अकाउंट की क्रिएशन हमने आप लोगों को सिखा दी थी. आई होप दैट वॉज क्लियर टू यू पीपल एंड यू पीपल विल डेफिनेटली बी एबल टू डू इट एंड स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम इट. तो अब हम जो है वो चैट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द चैट एप्लीकेशन क्लास, एक बात और आप लोगों को बतानी है और समझानी है, वो ये है कि अब देखें बिल्कुल आप लोगों का एंडिंग मोमेंट चल रहा है. मैं देख रहा था कमेंट्स में से अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं. देखिए हम कदम फास्ट नहीं जा रहे हैं, फिर हमने आप लोगों को जो स्ट्रिक्टनेस जिस लेवल पे की हम शुरू में चला रहे थे उसमें हमने थोड़ी सी लीनियंसी रख दी है क्योंकि यू पीपल नाउ वी बिलीव आर द मेच्योर वन एंड नोज दैट हाउ टू कवर द थिंग्स अप फॉर योर ओन बेनिफिट्स. तो आप लोग अपनी मेहनत को बरकरार रखें, दिन में मिनिमम 3 घंटे इसके लिए मुकर्रर कर दें, जितना ज्यादा दे सकते हैं उतना ज्यादा आप करें, यह आप लोगों के लिए अच्छा होगा. कोई बात नहीं शहरियार, अगर आज क्लाइंट नहीं है तो आपके पास एक पूरा महीना है, आप कंसिस्टेंटली लगे रहो, जिस चीज के पीछे आप लग जाते हो ना वो चीज आपको आज नहीं कल नहीं 10 दिन नहीं 20 दिन नहीं 25 दिन के बाद आपको आपके मंजिल तक पहुंचा के ही रहेगी. सो डू नॉट गिव अप, डू नॉट फेड अप, डू नॉट गेट डिसहार्ट, डू नॉट गेट डिसअपॉइंट एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क फॉर acquiring your journey and inshallah we hope we trust that you will definitely be able to do this thing. Achha ji, aaj jo hai hum chat application ko aap logo ko banana sikha rahe hain, theek hai. Uske liye hum kya karne ke liye ja rahe hain, dekhiye aap FIDO authentication humne aapko sikha di thi Facebook ke through, phir saath mein humne react uske components making उनके राउट जनरेशन और उनके ऊपर आप किस तरह से प्रॉपरली काम कर सकते हो ये सारी चीजें हमने आपको सिखाई है. रिडक्स आप अपने डेटा को सेंट्रलाइज कैसे करते हो ये चीजें हमने आपको रिडक्स को स्टार्ट करते हुए सिखाई थी समझाई थी, आज उसको मजीद हम इम्प्लीमेंट करेंगे.
सो थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द डेलेक्स फॉर यू पीपल। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, और जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इट इज़ गोइंग टू बी प्रोबेबली 27th ऑफ दिसंबर कि जिस दिन आप लोगों का फाइनल हैकाथॉन होगा, तो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर इट। मैं अब बॉस को कहूँगा कि वो आए और हॉट सीट को टेक ओवर करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द चैट एप्लीकेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रिएक्ट का एक न्यू प्रोजेक्ट बना के अपने पास पहले से रख लिया है ताकि टाइम हमारा ज़ाया ना हो। तो मैं दिखा देता हूँ, ये एक फोल्डर है चैट ऐप के नाम से मैंने बनाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने एक रिएक्ट का न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है चैट ऐप के नाम से। इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ और वीएस कोड पे मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया, इसको स्टार्ट भी करके हम देख लेते हैं कि ये चल रहा है या नहीं। स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है ये, मैंने अभी बनाया है। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें, ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट जो है वो चल गया है। बिल्कुल न्यू से हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया है यूजिंग NPX क्रिएट ऐप और चैट ऐप मैंने इसका नाम रख दिया। अच्छा, सबसे पहले चैट ऐप बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें चैट ऐप के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, पहला तो फायरबेस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डेटाबेस हमें यूज़ करना है फायरबेस का। सेकेंड, हमें अगर इसका डिज़ाइन मतलब UI अच्छी बनानी है तो हमें बूटस्ट्रैप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर हम मटेरियल UI भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रिडक्स भी लगाएंगे। रिडक्स के साथ साथ जो जो इसमें पैकेज इंस्टॉल होते हैं वो सारे हमें इंस्टॉल करने होंगे, तो मैं वो सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं फायरबेस, जिसका हम डेटाबेस यूज़ करेंगे। फायरबेस इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें यूज़ कर लेंगे रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स, रिडक्स थंक, वही वाली रिडक्स को फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट से लास्ट क्लास में लगाई थी। फायरबेस हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। इतने हम देख लेते हैं कि हमने रिडक्स के लिए क्या क्या मॉड्यूल इंस्टॉल करे थे। तो रिडक्स के लिए मैंने इसमें करा था रिडक्स नाम का एक पैकेज इंस्टॉल करा था, इसके अलावा मैंने रिडक्स थंक करा था,
और रिएक्ट रिडक्स करा था। तो ये तीन पैकेजेस मैंने इंस्टॉल करे थे रिडक्स के लिए। तो फायरबेस के साथ साथ मैं इन तीन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैंने कहा npm i रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स और क्या था, रिडक्स थंक। तो ये रिडक्स के लिए मेरे तीन पैकेज इंस्टॉल कर लिए और इसके बाद हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे। जिसको रिडक्स में इश्यू आ रहा है तो अभी हम दोबारा से रिडक्स करने जा रहे हैं, तो दोबारा से देख सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, तो रिडक्स हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। इसके अलावा रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो गई है और रिडक्स थंब भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अच्छा जी, तो अब हमें इंस्टॉल करनी थी बूटस्ट्रैप। अच्छा, मैं सारे पैकेजेस एक साथ ही इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ऐप बंद करके इंस्टॉल करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐप बनाने के स्टार्टिंग में ही मैं सारे वो मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूँ जो जो मुझे इस पे जरूरत पड़ेगी। तो बूट स्ट्रैप कर लेता हूं और रिएक्ट बूट स्ट्रैप। अच्छा, तो यूआई जो है वो इतनी खास मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप खुद बना लीजिएगा। ज्यादातर फोकस जो है वो हम फंक्शनैलिटी पे करेंगे ताकि वो हमारी क्लियर हो जाए। बाकी डिजाइन और यूआई वगैरह जितना अच्छा आप बना सकते हैं वो आप बना लीजिएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया, तो इसको दोबारा से मैं चला देता हूँ npm start। मटेरियल यूआई यूज अभी हम नहीं कर रहे, हम बूटस्ट्रैप करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा आपको कि यूआई हम नहीं सीख रहे, हम फंक्शनैलिटी सीख रहे हैं चैट ऐप की। तो मटेरियल यूआई आप खुद यूज कर लिएगा। तो बोर्ड स्टेप हम यूज करेंगे, बाकी मटेरियल यूआई जो है वो आप खुद यूज कर लेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मटेरियल यूआई में काफी सारा काम जो है वो क्लास कंपोनेंट्स में हो रहा है। ठीक है, क्लास कंपोनेंट्स में हो रहा है, तो इस वजह से अभी मैं वो नहीं कर रहा। जब हम रिएक्ट नेटिव पे आ जाएंगे और क्लास कंपोनेंट पढ़ लेंगे तो फिर आप मटेरियल यूआई यूज कर लिएगा। तबीयत ठीक नहीं लग रही बिल्कुल सर, अली खांस रहा है और मुझे नजला हो रहा है। ठीक ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और इसमें मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना लेता हूँ और कंपोनेंट्स के साथ साथ मैं एक कंटेनर्स बना लेता हूँ। ठीक है, और एसेट्स बना लेता हूँ, एसेट्स आ गएंगे और कॉन्फिग। ठीक है, ये चार फोल्डर मैंने बना लिए। अच्छा, एक और फोल्डर रह गया स्टोर का, जिसमें हमारा रिडक्स का काम आ जाएगा। ठीक है, स्टोर का एक फोल्डर आ गया, एसेट्स का आ गया। एसेट्स में मैं क्या रखूंगा, एसेट्स में मैंने अगर कोई फॉन्ट यूज करता हूँ तो फॉन्ट उसमें आ जाएगा, और मेरे जितनी भी इमेजेस होंगी, आइकन होंगे, वो सारे एसेट्स के फोल्डर में आएंगे। कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, जो भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, बटन का कंपोनेंट हो गया या फिर इनपुट का कोई कंपोनेंट हो गया या हेडर का कंपोनेंट हो गया, तो वो सारी फाइल जो होंगी वो कंपोनेंट्स के फोल्डर में आएंगी। कॉन्फ़िग में मैं क्या बनाऊंगा, जैसे कि राउटर की फाइल हो गई और फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जो भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का काम होगा वो मैं कॉन्फ़िग के फोल्डर में करूंगा। और कंटेनर्स के फोल्डर में हम क्या बनाएंगे, जो कि हमारे मेन पेजेस होंगे, जैसे कि होम का पेज होगा, चैट का होगा, मैसेजेस का होगा, वो सारे पेजेस जो है वो कंटेनर्स के फोल्डर में हम रखेंगे। अच्छा, स्टोर का फोल्डर क्यों बनाया, स्टोर के फोल्डर में हमारी रिडक्स आ जाएगी। तो रिडक्स हम लिख लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट क्लास में लिखी थी। स्टोर के अंदर हमने एक एक्शन का फोल्डर बनाया था और एक रिड्यूसर का बनाया था, तो यहाँ पे भी हम ये करते बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो स्टोर के अंदर मैंने एक एक्शन का फोल्डर बना लिया, ठीक है, और इसी के अंदर मैंने एक रिड्यूसर का फोल्डर बना लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बना ली अपने रिडक्स को कॉन्फ़िगर कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक्शन के अंदर क्या बनता है, हमारे रिडक्स के एक्शंस बनते हैं जो कि फंक्शंस होते हैं, हमारी एप्लीकेशन को चलाते हैं और रिडक्स के साथ हमारी स्टेट को मैनेज करते हैं, तो सारे जितने भी फंक्शन होंगे वो एक्शन के फोल्डर में बनेंगे। अच्छा, रिड्यूसर में क्या बनता है, रिड्यूसर में स्टोर बनता है। अच्छा, स्टोर क्या होता है, एक स्टेट होती है जो कि ग्लोबली हमारी पूरी एप्लीकेशन में हम उसको गेट भी कर सकते हैं और सेंड भी करवा सकते हैं। अच्छा, रिड्यूसर जो है वो एक बन सकता है या एक से ज्यादा, तो जितने आप बनाना चाहें बना सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है तो आप मल्टीपल रिड्यूसर्स भी बना सकते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन छोटी है तो आप सिर्फ एक ही रिड्यूसर भी बना सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल एक ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट जेएस की एक फाइल बना लेता हूँ और वही वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े। इनिशियल स्टेट मैंने बना ली और इसमें मैंने रख दिया यूजर्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्टेट को रिटर्न करवा दिया। सिंपल, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक रिड्यूसर बनाया। रिड्यूसर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस की मैंने एक फाइल बना ली, उस फाइल के अंदर मैंने एक स्टेट को इनिशिएट करवाया, इनिशियल स्टेट कराया, कॉन्स बनाया, इनिशियल स्टेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ये जो इनिशियल स्टेट मैंने बनाई है ये मेरी ग्लोबल स्टेट होगी, ठीक है। फिर नीचे मैंने एक एरो फंक्शन बना दिया, ठीक है, उसमें स्टेट को मैंने एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया है। दूसरे पैरामीटर में एक्शन में ले रहा हूं, एक्शन किस लिए ले रहा हूं हम अभी आगे जाके देखते हैं, और मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया स्टेट को, ठीक है। सिर्फ अभी हमने इतना काम करा है, आगे बढ़ते हैं। अब इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाते हैं जो कि स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन थी, इसका भी हम कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करा, सबसे पहले मैं रिड्यूसर इंपोर्ट कर लेता हूँ। रिड्यूसर मैंने कहाँ से इंपोर्ट करा, जो कि मैंने रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर बनाया, ठीक है, रिड्यूसर गेट हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें और इंपोर्ट हो रही है, एक है क्रिएट स्टोर और एक है अप्लाई मिडलवेयर, ठीक है। क्रिएट स्टोर क्या करता है, स्टोर को क्रिएट करता है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमें अपना स्टोर पास करना होता है, इसको बताना होता है कि हमने इस फाइल में अपना स्टोर बनाया। तो मैंने यहाँ पे रिड्यूसर बता दिया है कि यहाँ पे मैंने रिड्यूसर को इंपोर्ट करवाया और क्रिएट स्टोर के अंदर मैंने रिड्यूसर को पास कर दिया। अच्छा, अब ये अप्लाई मिडलवेयर हमने क्यों करा हुआ है, थंक इसके अंदर मैंने क्यों लगाया, आपको याद होगा कि हमने एक पैकेज और इंस्टॉल करा था रिडक्स थंक के नाम से। थंक हम क्यों लगाते हैं कि एक्शन जो हम बनाएंगे, एक्शन के अंदर कोई भी हम अगर एसिंक्रोनस काम करवाते हैं, मतलब डेटाबेस से डेटा मंगवाते हैं या डेटाबेस में डेटा भेजते हैं, तो जो भी इस तरह का एपीआई कॉल हो रही होगी एक्शन के अंदर, तो उसके लिए हमें अप्लाई मिडलवेयर लाजमी करना होता है। अप्लाई मिडलवेयर का एक फंक्शन कॉल करना होता है और उसके अंदर थंक को पास करना होता है, ठीक है। तो ये हम इसलिए लगाते हैं रिडक्स थंक, ताकि हम एक्शन से एपीआई कॉल कर सके और डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। स्टोर के अंदर मैंने क्रिएट स्टोर रख दिया है और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया है स्टोर को, ठीक है। यहाँ अच्छा, ये जो फाइल है स्टोर इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे ये सारी रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब क्या रह गया है कि रिडक्स को मैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करूं, उसके लिए मैं अपनी सबसे मेन फाइल में आ जाऊंगा जो कि ऐप होगी। अच्छा, एक मैं सबसे पहले कंटेनर बना लेता हूं, होम इसका नाम मैं रख देता हूं, ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस की इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूं और एक स्टाइल डॉट सीएसएस की, इसको मैंने कॉपी करा और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैंने रख दिया होम।
अच्छा रिएक्ट को इंपोर्ट करा लेते हैं हम पहले, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, स्टाइल डॉट सी एस एस भी इंपोर्ट कर लेते हैं अगर हमें कोई स्टाइलिंग की जरूरत पड़ी। क्लास कंपोनेंट मैंने बना लिया होम के नाम से, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के साथ, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के साथ ठीक हो गया। रेंडर मेथड यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया और रेंडर के अंदर मैंने रिटर्न को रख दिया और यहां से मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया होम एच वन, होम की मैंने सिर्फ एक हेडिंग डाल दी। इसी कोड को कॉपी करके मैं ऐप में भी पेस्ट कर देता हूं ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस मैंने इंपोर्ट कर ली और ये हमारी मेन फाइल है जिसका नाम है ऐप। अब होम वाली जो मैंने फाइल बनाई थी कंटेनर बनाई थी उसको मैं यहां पे इंपोर्ट कर लेता हूं, मैंने कहा इंपोर्ट होम फ्रॉम कंटेनर्स होम ठीक है। होम के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस थी तो वो उसको खुद गेट कर लेगा और यहां पे मैं इसको कॉल करवा देता हूं होम, तो चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है ब्राउजर पे। मैंने रिफ्रेश करा तो ये होम मेरे पास लिखा हुआ आ गया जो कि मैंने होम का कंपोनेंट बनाया था और ऐप डॉट जेएस के अंदर उसको इंपोर्ट करा के मैंने रख दिया। अच्छा अब ऐप डॉट जेएस होगी वो मेरी मेन फाइल होगी। अच्छा अभी हमने राउटर नहीं लगाया तो राउटर भी हम लगा लेंगे अभी, पहले रेडक्स को अपनी एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट करके देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम राउटर भी लगाते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा कनेक्ट ठीक है, या इसको हम क्या एक काम ये करते हैं डायरेक्टली इंडेक्स डॉट जेएस में ही इंपोर्ट कर देते हैं जैसे कि हमने लास्ट उसमें करा हुआ था, तो सेम उसी तरह से हम इसको इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल में ही इंपोर्ट कर देते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर इंपोर्ट कर लिया जो कि मुझे मिल रहा है रिएक्ट रिडक्स से। प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रोवाइडर मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन को रिडक्स स्टोर के साथ कनेक्ट कर देगा ठीक है। प्रोवाइडर को मैंने इंपोर्ट करा लिया फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से और इसके साथ साथ मैंने इंपोर्ट करा लिया स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर, जो भी मैंने स्टोर का फोल्डर बनाया और इसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस की मैंने फाइल बनाई थी जहां पे मैंने रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, यहां से मैंने इंपोर्ट कर लिया स्टोर को। अब प्रोवाइडर का एक टैग है मेरे पास वो मैं लगा देता हूं यहाँ पे प्रोवाइडर, और जो मेरी ऐप जो मेरा ऐप का कंपोनेंट है जो कि सबसे मेन कंपोनेंट है उसको मैं प्रोवाइडर के अंदर रख दूंगा ठीक है, और प्रोवाइडर को एक प्रॉप पास कर दूंगा जिसका नाम होगा स्टोर और इसके अंदर मैं दे दूंगा अपनी रिडक्स का स्टोर। चला के इसको देख लेते हैं कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है सब, कोई एरर भी नहीं आ रहा हमारे पास। अच्छा यहां तक अगर किसी को क्लियर ना हो तो पूछ ले, मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक हमने क्या करा है, हमने स्टोर का एक फोल्डर बनाया था, स्टोर के फोल्डर के अंदर हमने एक्शन का एक फोल्डर बनाया था जिसमें अभी हमने कोई काम नहीं करा, इसके साथ साथ हमने रिड्यूसर का एक फोल्डर बनाया, रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर हमने एक अपना स्टोर बना लिया है, स्टोर में हमने क्या लिखा है एक ऑब्जेक्ट बना लिया है इनिशियल स्टेट के नाम से जो कि हमारी ग्लोबल स्टेट है ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक एरो फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया है और जिसमें रिटर्न हो रही है हमारी स्टेट ठीक है। जो भी मैं ऊपर स्टेट बनाऊंगा उसको मैं यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर दूंगा और यहां से रिटर्न करवा दूंगा स्टेट को ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, इंडेक्स डॉट जेएस जो कि स्टोर की सबसे मेन फाइल थी उसमें मैंने इंपोर्ट करवाया रिड्यूसर को जो कि मैंने रिड्यूसर के अंदर स्टोर बनाया। उसके बाद मैंने दो चीजें इंपोर्ट करी, एक है क्रिएट स्टोर और दूसरा है अप्लाई मिडलवेयर। क्रिएट स्टोर मैंने किस लिए इंपोर्ट करा है, ताकि मैं स्टोर को क्रिएट कर सकूं, रिडक्स को बता सकूं कि ये मेरा स्टोर है इसको अपने पास क्रिएट कर दो,
उसके बाद अप्लायर मिडिलवेयर मैंने इंपोर्ट करा है, ये किस लिए होता है? अच्छा, इसको अगर मैं अभी ना भी इंपोर्ट करूं और यूज ना करूं तो भी चल जाएगा। इसको एक काम हम ये करते हैं, इसको बाद में ही कर लेते हैं, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ रेड्यूसर बना लिया। इंपोर्ट क्रिएट स्टोर मैंने करा फ्रॉम रिडक्स से, यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट बना दिया स्टोर के नाम से और इसके अंदर क्रिएट स्टोर को कॉल कर दिया और इसके अंदर अपने रेड्यूसर को पास कर दिया और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मैंने कर दिया किसको, स्टोर को। सिर्फ चार लाइनों का काम हुआ है, कोई इतना ज्यादा नहीं है। इंपोर्ट रेड्यूसर, जहां भी आपने अपना रेड्यूसर बनाया होगा वहां से आप इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने इंपोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, ठीक है, क्रिएट स्टोर को इंपोर्ट करने के बाद आपने क्रिएट स्टोर को कॉल करना है और इसके अंदर अपने रेड्यूसर को पास कर देना है, ठीक है, और फिर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन यहां तक कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हमें आ जाना है अपनी सबसे मेन फाइल में, जो कि हमारी रिडक्स की सबसे मेन फाइल होगी। कौन सी है वो? इंडेक्स डॉट जेएस, सबको पता होगा। उसमें आके हमें इंपोर्ट करना है प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। प्रोवाइडर क्या करेगा, प्रोवाइडर एक कंपोनेंट हमें देगा और उस कंपोनेंट के चाइल्ड में हम पूरी अपनी एप्लीकेशन रखेंगे, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के चाइल्ड में जो एप्लीकेशन होगी वो रिडक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, प्रोवाइडर का ओपनिंग टैग लगाया, कंटेनर का फोल्डर मैंने यूं बनाया कि जितने भी मेरे मेन पेजेस होंगे, जैसे कि होम का पेज होगा, बिल्कुल चैट का पेज होगा, इसमें जो मेन पेजेस होते हैं वो आते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कंटेनर का फोल्डर ही बना रहे, ये मैंने इसलिए बनाया ताकि कोड का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाए और हर किसी को समझ में भी आ जाए, तो मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बनाया। अच्छा, तो आप अगर कंटेनर समझ में नहीं आ रहा, पेजेस का फोल्डर बना लें, पेजेस के नाम से आप फोल्डर बना लें या जो भी आपको सही लगे आप बना सकते हैं। ये मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका आपको बताया कि कंटेनर आप बना लेंगे तो किसी दूसरे डेवलपर को भी पता चल जाएगा कि इसमें सारे कंटेनर्स है, मतलब पेजेस है, जैसे कि होम होता है, अबाउट होता है, कॉन्टेक्ट होता है, सारे पेजेस होते हैं, मेन पेजेस वो आ जाते हैं सारे कंटेनर में, ठीक है जी। तो इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने प्रोवाइडर को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से और उसके साथ साथ मैंने अपने स्टोर को भी इंपोर्ट कर लिया। स्टोर मैंने कहाँ से इंपोर्ट करा, जो कि स्टोर के फोल्डर में मैंने इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से एक फाइल को कन्फिगर करा था, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद प्रोवाइडर का ओपनिंग टैग बना दिया, क्लोजिंग टैग बना दिया और उसके बीच में अपने ऐप कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने क्या करा, प्रोवाइडर को एक प्रॉप पास करा स्टोर के नाम से और उस स्टोर के अंदर जो कि डेटा था वो मैंने अपना पूरा स्टोर पास कर दिया। तो इसके बाद हमें अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर चला के देखनी है कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रिडक्स जो है वो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो गई है। अच्छा, अब डेटा किस तरह से लेंगे ये भी हम देख लेते हैं कि मैंने स्टेट बना ली है रेड्यूसर के अंदर, यूजर की खाली एरे बनाई हुई है, इसके अंदर मैं एक यूजर रख देता हूँ, इसमें मैं बोल देता हूँ नेम जो है वो गॉस है और ईमेल जो है वो है goss@gmail.com, ठीक है। इनिशियल स्टेट में मैंने यूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, सॉरी एरे बनाया हुआ है, एरे के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया नेम गॉस और ईमेल मैंने उसको दे दिया goss@gmail.com। अब इस ग्लोबल स्टेट को मैं अपने कंपोनेंट में गेट कैसे करूंगा ये देखते हैं। मैं आ गया कंटेनर के अंदर, होम के अंदर और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बना देता हूँ चैट का भी, चैट का भी एक कंटेनर बना देते हैं हम इसके साथ साथ, कंटेनर्स में मैं आ गया, एक होम बना हुआ है और चैट को जो है वो इसके साथ हम बना देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सही नजर आएगा, कंटेनर से कंटेनर के अंदर एक होम का पेज है और एक चैट का पेज। तो अभी हम होम वाले पेज पे अपने रिडक्स से डेटा मंगवा के देखेंगे कि रिडक्स से हमें डेटा मिल रहा है या नहीं। डेटा मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने इस कंपोनेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा रिडक्स से, तो आपको कनेक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से। तो इंपोर्ट कर लेते हैं,
इंपोर्ट मैंने कर लिया कनेक्ट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, कनेक्ट मुझे इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स से। उसके बाद जहां पे हमारा कंपोनेंट एक्सपोर्ट हो रहा होता है वहां पे आपने कनेक्ट को कॉल कर देना है, कनेक्ट। और कनेक्ट जो है वो दो फंक्शन आपसे लेता है, पहला वो लेता है आपसे मैप स्टेट टू प्रॉप्स, दूसरा वो आपसे लेता है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। मैप स्टेट टू प्रॉप्स में आपकी स्टेट होती है जो कि आप रिडक्स से गेट करते हैं, और मैप डिस्पैच टू प्रॉप में आपके फंक्शन होते हैं जो कि एक्शन में आप बनाते हैं। तो मेरे पास बना हुआ है, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं मैप स्टेट टू प्रॉप्स। फिलहाल मैप डिस्पैच टू प्रॉप में नहीं बना रहा, पहले मैं मैप स्टेट टू प्रॉप बना लेता हूं और इसमें इसको मैं कनेक्ट में पास कर देता हूं, और दूसरे आर्गुमेंट में मैं दे देता हूं नल, ठीक है। तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स मैंने यहां पे पास कर दिया है। अब देखें यहां पे भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी बनाएंगे वो होम वाले कंपोनेंट के प्रॉप्स में जाके सेव हो जाएगी। जैसे कि बिल फर्ज यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया गॉस, ठीक है, ना अभी मैंने रिडक्स से डेटा मंगवाया ना कुछ, मैंने डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी बनाई है और अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉप्स में मिल रही है या नहीं। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स और यहाँ पे मैंने कह दिया दिस डॉट प्रॉप्स। तो चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो प्रॉप्स के अंदर मेरे पास आ गया नेम गॉस जो कि मैंने मैप स्टेट टू प्रॉप्स के फंक्शन में रखा, वो मेरे पास यहाँ पे मुझे मिल गया। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे वो आपके होम वाले कंपोनेंट के स्टेट प्रॉप्स में जाके सेव हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी जो उसकी जो वैल्यू है वो खुद नहीं लिखनी, बल्कि मुझे क्या करना है ग्लोबल स्टेट से गेट करना है यूजर्स। और अच्छा, ग्लोबल स्टेट आप जो कि रिडक्स की स्टेट है वो यहाँ पे कैसे गेट करेंगे, ये फंक्शन जो है एज अ पैरामीटर हमें एक दे रहा होता है स्टेट के नाम से ना, तो यहाँ पे आप स्टेट लिखेंगे। अच्छा, अभी हमारे पास मल्टीपल रेड्यूसर नहीं है बल्कि सिर्फ एक ही रेड्यूसर है, तो डायरेक्टली हम उस रेड्यूसर की स्टेट को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर्स, तो देख लेते हैं यूजर्स के नाम से हमने बनाई थी उसमें प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पे यूजर्स के नाम से ही प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे यूजर्स लिख देंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल रेड्यूसर्स होंगे तो हम क्या करते थे, मल्टीपल रेड्यूसर्स के लिए पहले हम मल्टीपल रेड्यूसर्स बनाते थे, उसके बाद हम उन सारे रेड्यूसर को कंबाइन करते थे। कंबाइन किस तरह करते थे, हम इंपोर्ट करते थे एक फाइल में इंपोर्ट कंबाइन रेड्यूसर फ्रॉम रिडक्स, और जितने भी आपके रेड्यूसर हैं वो सारे आप इस फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आपको कर देना है कंबाइन रेड्यूसर, और ऑब्जेक्ट के अंदर आपने सारी प्रॉपर्टी बना के बता देना है कि आपके कितने रेड्यूसर हैं जो आप कंबाइन करना चाहते हैं। तो जो भी आप इस प्रॉपर्टी का नाम रखेंगे इसी नाम से आप उसको पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी गेट कर सकेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही रेड्यूसर बनाया है, तो इसी वजह से मैंने कोई भी रेड्यूसर का नाम नहीं दिया बल्कि डायरेक्टली वैल्यू लिख दी। तो आप चेक करते हैं कि वैल्यू हमें मिल रही है या नहीं। तो देखिए प्रॉप्स के अंदर अब मेरे पास यूजर्स का एरे आ गया और इसके अंदर मुझे मिल रहा है नेम गॉस और ईमेल मुझे मिल रहा है goss@gmail.com। तो रिडक्स से डेटा मेरे पास गेट हो रहा है। अब मैं रिडक्स में आके एक और यूजर ऐड कर देता हूं, मैंने यहां पे लगाया कॉमा और मैं यहां पे एक और यूजर ऐड कर रहा हूं नेम बासित को ऐड कर देते हैं और ईमेल हम रख देते हैं basit@gmail.com। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डेटा अपडेट हुआ या नहीं। मैंने यहाँ पे प्रॉप्स खोले यूजर्स में, आप देख सकते हैं आपके सॉरी वो कैमरा हमारा थोड़ा सा हिल गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गॉस का भी डेटा मेरे पास आ गया और बासित का भी मेरे पास डेटा आ गया। अच्छा, तो अब करना यह है कि मुझे एक्शन बनाना है जिससे मैं यूजर को
इस ग्लोबल स्टेट में सेव करवा सकूं। ठीक है, तो एक्शन बना लेते हैं। एक्शन किस तरह बनता है? एक्शन की जो मैंने एक फोल्डर बनाया था उसके अंदर आपने एक फाइल बना लेनी है index.js। अगर ज्यादा एक्शन है, मल्टीपल एक्शंस की अलग अलग आप सेपरेट फाइल बनाना चाह रहे हैं, तो आप एक्शन के नाम से अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आके हम फंक्शन बना लेते हैं, बल्कि हमारे पास बना हुआ है, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। सेट डेटा का एक फंक्शन बना हुआ है और ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया सेट डेटा के नाम से, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर रिसीव कर रहा हूं डेटा। अच्छा, इस फंक्शन में हमें रिटर्न करवाना होता है एक और फंक्शन, ठीक है, जिसके पैरामीटर में हमें मिलना होता है डिस्पैच, और इस डिस्पैच के जरिए हम अपनी रिडक्स को डेटा पास करते हैं। क्लियर है सबको? index.js के अंदर एक्शन में मैंने एक फंक्शन बना लिया सेट डेटा के नाम से, और उसके अंदर मैंने रिटर्न कर दिया एक और फंक्शन, और जो फंक्शन मैंने रिटर्न करा है उसके अंदर हमें डिस्पैच का एक पैरामीटर मिलता है, और डिस्पैच के जरिए हम रिडक्स को डेटा पास करते हैं और बताते हैं कि ये डेटा हमें सेट करना है। तो इस फंक्शन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं home.js की फाइल में। मैंने कहा इंपोर्ट सेट डेटा फ्रॉम store/action। ठीक है, एक्शन से मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। मैप स्टेट टू प्रॉप्स का यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। अब एक्शन को कॉल करने के लिए हम मैप डिस्पैच टू प्रॉप का भी एक फंक्शन बनाएंगे, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप का भी मैंने यहाँ पे फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया नल हटा के मैप डिस्पैच टू प्रॉप। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है मेरे इस कंपोनेंट के साथ कनेक्ट हो गया। इसको चला के हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको हटा के मैंने कहा console.log, और इसमें मैंने लिख दिया चल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट डेटा का फंक्शन मैप डिस्पैच टू प्रॉप में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, मैं एक बटन बना लेता हूं। मैंने कहा बटन सेट डेटा, और इसके ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। मैंने कहा ऑन क्लिक दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेट डेटा। ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेट डेटा। प्रॉप्स मैंने क्यों लिखा, कि मैप डिस्पैच टू प्रॉप के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो प्रॉप्स में जाके सेट हो रही है। तो मैंने सेट डेटा की एक प्रॉपर्टी बनाई और उसके अंदर मैंने ये वाला फंक्शन रख दिया। तो अब इसको हम चला के देख लेते हैं। अच्छा, सेव नहीं करा था, तो सेट डेटा का बटन मेरे पास आ गया। मैं इसको कॉल करता हूं, तो एरर दे रहा है एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट यूज कस्टम मिडलवेयर फॉर एसिंक एक्शन। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको रोक देते हैं, डायरेक्टली चला के देख लेते हैं फंक्शन। इसको मैं बाहर कर देता हूं और डिस्पैच को कमेंट कर देता हूं फिलहाल। अच्छा ठीक है, तो ये एरर हमें दे रहा है, तो लाजमी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिडक्स थंग से, और इसको हमें बताना होगा कि हमें मिडलवेयर अप्लाई करना है ताकि हम एक्शन का फंक्शन प्रॉपर यूज कर सके और उसमें बाद में एपीआई भी कॉल कर सके। तो जब आपने मिडलवेयर यूज नहीं करा हुआ होगा तो देखें आपको ये वाला एरर आएगा। जब आपके पास ये एरर आ जाए एक्शंस मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स यूज कस्टम मिडलवेयर फॉर एसिंक एक्शंस। ठीक है, अगर ये एरर आए तो आप समझ जाएं कि आपको अब इंस्टॉल करना है क्या, रिडक्स थंग। रिडक्स थंग के नाम का एक पैकेज है जो कि हमने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है, ये आपको इंस्टॉल करना है। अच्छा, ये लगेगा किस तरह से, आपने अप्लाई मिडलवेयर इंपोर्ट कर लेना है फ्रॉम रिडक्स से। अप्लाई मिडलवेयर को मैंने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद थंग को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट थंग
रिडक्स थंक, ठीक है, और मैं मिडिलवेयर को अप्लाई कर देता हूँ। रेड्यूसर जहां पे मैं क्रिएट स्टोर करता हूँ, जहां वहां पे मैंने रेड्यूसर दिया हुआ है, कॉमा डाल के पहले हम इसका फॉर्मेट है, कर्ली ब्रैकेट देते हैं एम्प्टी, और उसके बाद अप्लाई मिडिलवेयर और थंक। तो मैंने मिडिलवेयर अप्लाई कर दिया, अब हम इसको चला के देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। सेंड डेटा करा तो चल रहा है। अब दोबारा से हम रिटर्न कर देते हैं डिस्पैच को, एक्शन में मैं आया, मैंने यहां पे रिटर्न कर दिया डिस्पैच को, ठीक है। अब इसको हम चला के देख लेते हैं, रिफ्रेश करा, मैंने कहा सेट डेटा, तो देखें इसने हमें कंसोल दे दिया, चल रहा है। दोबारा से मैंने कहा सेट डेटा, तो ये चल रहा है। तो एक्शन में मैंने फंक्शन बना लिया, और उस फंक्शन को मैं कॉल कहां से कर रहा हूं, होम से। अच्छा, अब सेट डेटा में मैंने क्या करा है, मैं कर ये रहा हूं कि सेट डेटा के पैरामीटर में डेटा रिसीव कर रहा हूं, और इस डेटा को मैं सेव कराऊंगा रिडक्स में। तो इसको हम डेटा पास कर देते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग, डेटा को हम कंसोल करवा लेते हैं। और डेटा पास किस तरह से होगा, जहां पे हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहां पे हम डेटा पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं आर्गुमेंट के अंदर, मैंने कहा उमेर और नेम उमेर, और मैंने इसमें ईमेल दे दी, या यहाँ पे अगर मैं नहीं लिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। रेंडर के अंदर मैं एक लेट बना लेता हूँ यूजर का, और इसमें मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ नेम उमेर, ईमेल में मैं रख देता हूँ umer@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यूजर एज आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। अब देखते हैं कि कंसोल में हमारे पास उमेर का डेटा आ रहा है या नहीं। मैंने सेट डेटा करा तो मेरे पास उमेर का डेटा एक्शन के अंदर मुझे मिल गया है। तो एक्शन के अंदर अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिस्पैच कॉल कर देना है, इसको मुझे टाइप बता देनी है। अच्छा, टाइप क्यों बता रहा है ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ मैंने एक और प्रॉपर्टी डिस्पैच के अंदर भेजी है डेटा के नाम से, और इस प्रॉपर्टी को अब मैं रिसीव कर लूंगा। अब जैसे ही डिस्पैच कॉल होगा तो फंक्शन रन होगा, कौन सा फंक्शन रन होगा, जो कि रेड्यूसर में हमने बनाया है। जब भी डिस्पैच कॉल होगा ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। कहीं पर भी जितने भी हमने एक्शन बनाए हुए हैं, भले मल्टीपल एक्शन की फाइल बनाई हुई है या मल्टीपल एक्शन के फंक्शन बनाए हुए हैं, कहीं पर भी डिस्पैच जब कॉल होगा तो ये वाला जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमें फिर स्विच स्टेटमेंट लगाना होगा ताकि हम देख सके कि क्या डेटा हमें मिल रहा है। यहां पे मैंने स्विच स्टेटमेंट लगा दिया। यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट मैंने क्यों लगाया, मैं टाइप, अच्छा डिस्पैच के अंदर जो भी चीज हम भेज रहे हैं, एक्शन इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैं आया, यहाँ पे डिस्पैच के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा है। पहले प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में है टाइप, जिसमें सेट डेटा वैल्यू है। दूसरी प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में है डेटा, जिसके अंदर डेटा मेरे पास आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्विच भी मैं हटा देता हूं और एक्शन को कंसोल करवा के देखता हूं मुझे क्या मिल रहा है। मैंने कहा एक्शन और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एक्शन। तो अब मैं देखता हूं कि एक्शन में मुझे क्या मिल रहा है। मैंने सेट डेटा वाला फंक्शन कॉल करा, तो देखें एक्शन में मुझे क्या मिला। अच्छा, एक्शन मेरे ख्याल से अभी नहीं चला है। मैं यहां पे सेट डेटा करा तो देखें एक्शन में मुझे क्या मिला, एक मिल गई मुझे टाइप जिसकी वैल्यू है सेट डेटा, दूसरी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई डेटा जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नेम है उमेर और ईमेल है umer@gmail.com। तो हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये डेटा आया कहां से, मैंने अपने कंपोनेंट में ये डेटा भेजा था home.js। ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना डेटा बनाया, यूजर नेम रख दिया उमेर, ईमेल में रख दी umer@gmail.com, ठीक है। और जहां पे मैंने सेट डेटा का फंक्शन कॉल करा वहां पे मैंने इस डेटा को एज आर्गुमेंट भेज दिया। ये डेटा रिसीव हुआ एक्शन के अंदर, ठीक है। एक्शन के अंदर मैंने डिस्पैच को कॉल करा और डिस्पैच के अंदर एक प्रॉपर्टी बना के मैंने डेटा को भेज दिया।
ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी डिस्पैच कॉल होगा तो रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आके जो भी डिस्पैच में डेटा होगा वो एक्शन के अंदर हमें रिसीव हो जाएगा, एक्शन के अंदर हमें वो डेटा रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट एक लिख लेंगे और हम चेक करवाएंगे कि एक्शन की टाइप क्या है। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर मैंने इसको कहा एक्शन डॉट टाइप, और केस में यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीपल के, अगर केस हो सेट डेटा तो आप क्या कर दो, सबसे पहले जो स्टेट ऊपर रखी हुई है उसको दोबारा से सेट कर दो, और इसके साथ साथ यूजर्स के अंदर मैंने कहा यूजर्स को अपडेट कर दो, किससे, पहले सारे यूजर्स मैंने दोबारा से निकाल लिए स्टेट डॉट यूजर्स, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा एक्शन डॉट डेटा। तो अब चेक करते हैं। अच्छा, ये तरीका आपको आता होगा, स्प्रेड ऑपरेटर हमने जावास्क्रिप्ट वाले टाइम पे पढ़े थे, कि मैंने क्या करा, पहले यूजर्स की एरे के अंदर से सारे यूजर्स निकाल लिए, कॉमा डाल के एक्शन डॉट डेटा, मतलब एक और मजीद यूजर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आइए इसको चला के देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने सेट डेटा करा, अच्छा एरर आ गया, स्टेट डॉट यूजर इज नॉट आइटरेबल। देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा जी, स्टेट यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। सबसे अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट को कंसोल करवा के देख लेते हैं क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग स्टेट, निशानी भी लगा देते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा, तो स्टेट के अंदर मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। रिटर्न हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट शायद करना था, मैं अपने देख लेता हूँ एक दफा। SRC में मैं आ गया, मैं स्टोर में आ गया, रिड्यूसर में मैं आ गया, रिड्यूसर डॉट जेएस। अच्छा जी, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट हमने करा ली, बिल्कुल सेम यही करा हुआ है, डिफॉल्ट में हमें रिटर्न स्टेट कर देनी है। तो अब हम इसको चला के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा, अच्छा ये स्टेट जो है वो एम्प्टी हो रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसको भी मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ और फिलहाल ये मैं करके देख लेता हूँ। अच्छा, शायद कोई कोडिंग मिस्टेक हो गई है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि ये वाले यूजर्स को मैं अभी हटा देता हूँ और इसमें नया यूजर ऐड कर देता हूँ जो कि मुझे एक्शन से मिल रहा है, एक्शन डॉट डेटा। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, डिस्पैच का आप पूछ रहे थे, डिस्पैच ये करता है कि जब भी डिस्पैच हम कॉल करते हैं तो डिस्पैच में जो भी डेटा हम एक्शन से पास करते हैं वो डेटा हमें रिड्यूसर के अंदर जो फंक्शन हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कराया है उसकी एक्शन वाले पैरामीटर के अंदर आके रिसीव हो जाता है, जो भी डेटा हम वहाँ पे पास करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जरा कम कर देता हूँ, ये गॉस हो गया, और एक्शन में मैं आया,
एक्शन के अंदर मैंने एक सेट डेटा का फंक्शन बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन रिटर्न करा हुआ है और उस फंक्शन के अंदर पैरामीटर में मुझे मिल रहा है डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ और डिस्पैच के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और ये जो ऑब्जेक्ट है जब भी डिस्पैच में कॉल करूंगा रिड्यूसर वाला फंक्शन जो है वो खुद कॉल हो जाएगा और जो भी मैं डिस्पैच के अंदर ऑब्जेक्ट भेजूंगा जो भी वैल्यू मैं भेजूंगा वो एक्शन के अंदर आके मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो जो भी डिस्पैच में मैं वैल्यू दूंगा वो एक्शन के अंदर आके मुझे मिल जाएगी और एक्शन से लेके मैं उसको अपने ग्लोबल स्टेट में सेट करवा दूंगा। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा वो ऊपर जाके स्टेट में सेव हो जाएगी। तो अब देखते हैं हम इसको यूज करके, मैंने यहाँ पे कंसोल करवा लिया, उमेर को रहने दिया, यहाँ पे मैंने कंसोल करवा लिया, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, इसको मैं गेट कर रहा हूँ ग्लोबल स्टेट से, मैंने कहा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट यूजर्स। तो पहले देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, मैंने रिफ्रेश करा, यूजर्स में अनडिफाइंड आ रहा है, रिड्यूसर में मैं आ गया, मैंने शायद स्टेट को दोबारा ऊपर कर दिया। स्टेट डॉट यूजर्स हमने यहाँ पे रखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं अगर कोई कोडिंग मिस्टेक आपको नजर आ रही है। रिड्यूसर में मैं आ गया, मैंने यहाँ पे स्टेट को इनिशियल स्टेट रखा हुआ है, इसका रिमूव करेंगे तो चल जाएगा। यूजर्स के स्पेलिंग में बच्चा कहाँ पे यू एस ई डबल आर डबल एस ई टी, यूजर्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये कंसोल डॉट लॉग नीचे नीचे उसके नीचे आ इसमें इसकी ये स्पेलिंग का मसला नहीं है, बिल्कुल भी इसका मसला नहीं होता, ये तो मैंने सिर्फ एक निशानी लगाई हुई है, मसला रिड्यूसर में है। तो इसको मैं क्या करता हूँ तो जेड कर देते हैं ताकि जो भी चेंजेस हमने करी है वो दोबारा से हो जाएंगे। डिफॉल्ट रिटर्न कॉमा हटा दें, कॉमा कहां से हटा दें, रिड्यूसर में से हम मिडिलवेयर को दोबारा हटा के देख लेते हैं। हाँ, मिडिलवेयर लगाने से शायद ये इशू आया, तो जब हमने मिडिलवेयर लगाया तो उसने क्या करा स्टेट को खाली कर दिया।
क्या पता कोई अपडेट आ गई हो रिडक्स में। हाँ तो बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब अपडेट ये आई है, इशू सामने आ गया, सॉल्व कर लिया है मैंने। हमें अब करना ये होगा कि क्रिएट स्टोर जहाँ पे मैंने करा है, क्रिएट स्टोर में पहले मैं क्या कर रहा था, देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आपको समझाया था तो क्रिएट स्टोर मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाया था। मैंने कहा था स्टोर, क्रिएट स्टोर, रेड्यूसर, यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बना दी थी और अप्लाई मिडलवेयर चंक कर दिया था, ऐसा ही। लेकिन अब देखे, अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बना रहा बल्कि रेड्यूसर और दूसरे पैरामीटर में, मतलब दूसरे आर्गुमेंट में डायरेक्टली अप्लाई मिडलवेयर कर रहा हूँ। तो क्या पता कोई रिडक्स संग की कोई अपडेट आ गई हो जिसमें से वो कर्ली ब्रैकेट रिमूव कर दी हो, तो इस वजह से एरर आ रहा होगा। तो अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए मुझे यूजर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, दोबारा से एक दफा मैं बता देता हूँ, इशू ये था कि पहले हम जब क्रिएट स्टोर कर रहे थे और अप्लाई मिडलवेयर कर रहे थे तो उसके साथ साथ सेंटर के अंदर एक और वैल्यू हम पास कर रहे थे, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो अब ये हम नहीं कर रहे, अब डायरेक्टली हम रेड्यूसर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू के अंदर हम कर देंगे अप्लाई मिडलवेयर थंग। तो बहुत से होता है ऐसे कभी कभार इशू आ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, वरना हमें रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन दोबारा देखना पड़ जाती कि क्या अपडेशन आई है। तो अब मैंने क्या करा, क्रिएट स्टोर लिखा और रेड्यूसर के बाद कर्ली ब्रैकेट जो थे वो मैंने रिमूव कर दिया और डायरेक्टली अप्लाई मिडलवेयर थंग लिख दिया। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं दोबारा से स्विच स्टेटमेंट बना लेता हूं यहाँ पे। मैं स्विच स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, रिफ्रेश करके देख लिया, अभी भी यूजर्स हमें मिल रहे हैं। तो मैंने रेड्यूसर के अंदर स्विच स्टेटमेंट दोबारा से बना लिया और अब मैं इसको चला के देख लेता हूं दोबारा से, दोबारा कंट्रोल जेड, होम में आया, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया दोबारा से, मैं इसको रिफ्रेश करा। अभी देखें यूजर्स हमारे पास आ रहे हैं, एक है गॉस है और दूसरा है बासित। ठीक है, तो अब मैं सेट डेटा कर रहा हूं, तो दोबारा से जब मैं यूजर को कंसोल करवाऊंगा तो उसमें क्या होगा, यूजर अपडेट हो गए होंगे। मैं आ गया रेड्यूसर में, मैंने यहां पे कहा यूजर्स, मैंने कहा यूजर्स जो कि स्टेट में, उसको अपडेट कर दो आप किससे, पहले स्टेट के अंदर जो पहले से यूजर थे उन सबको ले आओ और उसके बाद एक यूजर ऐड कर दो एक्शन डॉट डेटा। एक्शन के अंदर हमें कौन सा डेटा मिल रहा है, जो कि डिस्पैच के अंदर हम पास कर रहे हैं। डिस्पैच में जो भी डेटा हम पास करेंगे वो एक्शन के अंदर हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं, अब इसको चला के मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे दो यूजर आ रहे हैं गॉस और बासित। सेट डेटा करा, दोबारा से कंसोल करा के हमें देखना होगा, या यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सेव करा देते हैं नेम गॉस, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या चेंजेस आ रही है। मैंने रिफ्रेश करा, अभी देखें यहाँ पे गॉस और बासित थे, मैंने सेट डेटा दोबारा से कंसोल करवा लेते हैं, सॉरी, जहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, सेट डेटा कर दिया मैंने यूजर्स और स्टेट को उसने अपडेट करा। अच्छा, कंपोनेंट स्टैटिक गेट द स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। अच्छा, एक हमने कंपोनेंट का लाइफ साइकिल पढ़ा था, जो जब भी प्रॉप्स अपडेट होते हैं हमें पता चल जाता है, वो कौन सा था, स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो जब भी रिडक्स अपडेट होगी, प्रॉप्स हमारे अपडेट होंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला लाइफ साइकिल मेथड यूज कर लेता हूँ और इसमें मैं रिटर्न करवा देता हूं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। ठीक है, और ये वाला मैं कंसोल हटा देता हूँ। अब देखते हैं इसमें हमें क्या मिल रहा है।
मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे प्रॉप्स में मुझे सेट डेटा मिल रहा है एक फंक्शन, और दूसरी प्रॉपर्टी में मुझे मिल रहा है यूजर्स। ठीक है, स्टेट में मैं आके कुछ चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पे मैं अच्छा सेट डेटा ही हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अच्छा डिस्पैच यहाँ पे हमने कमेंट करा हुआ है, सॉरी सॉरी डिस्पैच हमने कमेंट करा हुआ था तो उसको दोबारा से अनकमेंट मैंने कर दिया। मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा, तो देखें प्रॉप्स में अब हमें तीन यूजर मिल गए। पहले से स्टेट में क्या थे, घोष और बासित थे, और अब ग्लोबल जो स्टेट है उसमें उमेर भी आ गया। अच्छा एक दफा दोबारा से मैं आपको ये पूरा समझा दूं, क्योंकि एक मिस्टेक आ गई थी हमारे पास। रिफ्रेश करा, अभी देखें हमारी जो ग्लोबल स्टेट है उसमें क्या है, ग्लोबल स्टेट के अंदर अभी हमारे पास रखा हुआ है यूजर्स की एक एरे, और उसके अंदर हमने रखे हुए दो ऑब्जेक्ट, एक है गॉस और दूसरा है बासित। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हमने उसमें रखे हुए, और एक फंक्शन यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है जो कि रेड्यूसर को हमें गेट करके देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अच्छा ये कब चलेगा कि जब भी हम डिस्पैच कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा, और डिस्पैच के अंदर जो भी डेटा हम भेजेंगे वो हमें एक्शन के अंदर आके मिल जाएगा। ठीक है, एक्शन के अंदर हमने टाइप भी भेजी है, आप देख सकते हैं एक्शन में मैं आया, सेट डेटा जहां पे मैंने करा यहाँ पे मैंने एक टाइप रखी हुई है सेट डेटा, और दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने रखा हुआ डेटा, और उसमें मैंने डेटा पास कर दिया। तो जैसे ही डिस्पैच कॉल होगा तो रेड्यूसर वाला फंक्शन चलेगा और स्विच स्टेटमेंट चेक करेगा कि अगर एक्शन डॉट टाइप सेट डेटा है तो रिटर्न कर दो स्टेट, और स्टेट के अंदर जो यूजर से उसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो अब देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने पेज रिफ्रेश करा, अभी यहाँ पे प्रॉप्स मिल रहा है मुझे यूजर्स, और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है एक है गॉस का और दूसरा है बासित का। स्विच यूज करना मैंडेटरी नहीं है, आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए, आप इफ एल्स भी कर सकते हैं, लेकिन स्विच जो है वो अच्छा है, स्टैंडर्ड है। ज्यादातर रिडक्स में जो लोग यूज करते हैं सब वो स्विच ही करते हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक है गॉस दूसरा है बासित। अब मैं सेट डेटा का फंक्शन कॉल कर रहा हूं, मैंने जैसे ही सेट डेटा का फंक्शन कॉल करा उसने ग्लोबल स्टेट जो कि रिडक्स थी उसको जाके अपडेट करा और प्रॉप्स को दोबारा लाके मुझे दे दिया। अब अपडेटेड प्रॉप्स जो मुझे मिला इसके अंदर गॉस भी आ गया, बासित भी आ गया और उमेर भी ऐड हो गया। तो हमने यहां तक देख लिया कि रिडक्स से डेटा हम गेट किस तरह कर रहे हैं और सेट किस तरह कर रहा है। अगर इसी में इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो जल्दी से कर ले, फिर हम चैट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिडक्स जो है हमने पहले से पढ़ ली है, कोई नई चीज हम नहीं पढ़ ले, बस ये हमने रिपीट करी है। चैट ऐप इंशाल्लाह हम स्लो स्लो पढ़ेंगे, रिडक्स स्पीड में इसलिए पढ़ाई है क्योंकि आपने पहले से ही पढ़ ली है, आज हमने सिर्फ रिडक्स को रिपीट करके देखा है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि सबको क्लियर है कि डेटा हम किस तरह ले रहे हैं और डेटा सेट किस तरह कर रहे हैं, तो हम चैट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं वरना आज हम रिडक्स को ही सही तरह पढ़ते हैं। रिडक्स की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। स्विच में केस के अंदर जो लिखा है यहाँ पे जो भी चीज रिटर्न होगी वो ऊपर स्टेट में जाके सेट हो जाएगी। जैसे कि इम्तियाज को बोलो कि आपको ब्लॉक कर रहा है, इम्तियाज ताज आप बहुत कमेंट कर रहे हैं सर आपको ब्लॉक कर रहे हैं। तो रिटर्न के अंदर जो भी हम डेटा पास करेंगे वो स्टेट में जाके सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए मैंने रिटर्न लगाया हुआ।
ठीक है, तो भाई रिडक्स समझ में नहीं आया तो दोबारा से पढ़े रिडक्स, सब मैं हटा देता हूँ और एक दफा फिर हम लगा के देख लेते हैं रिडक्स। एक्शन के अंदर इसलिए हमने डिफाइन करा है क्योंकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस हमारे होंगे वो सारे एक्शन की फाइल में ही होंगे। ठीक है, तो स्टोर का जो फोल्डर है ये देखिए, मैं आपके सामने इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो रिडक्स एक दफा हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक दफा और भी ले लेते हैं रिडक्स का। मैंने स्टोर के फोल्डर को डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, स्टोर का फोल्डर डिलीट हो गया। मैं क्या कहते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में मैंने आया, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है, और मैं कंटेनर में होम में आया, यहां पे भी मैंने कंट्रोल जेड कर दिया। ठीक है जी, तो रिडक्स जो है मैंने डिलीट कर दी। अभी रिएक्ट एप्लीकेशन है मेरी जो चल रही है, देखें। ठीक है, ये रिएक्ट एप्लीकेशन है, रिडक्स मैंने बिल्कुल हटा दिए। अब रिडक्स हम दोबारा से लगाने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो रिडक्स दोबारा से लगाने जा रहे हैं, देख लें लास्ट टाइम रिडक्स पढ़ा रहे हैं। और वाकई सही बात है, मुश्किल है रिडक्स थोड़ी समझना, लेकिन जब एक दफा आप समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए आसान है। तो रिडक्स बनाने के लिए सबसे पहले रिडक्स का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। मैं एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं स्टोर। ठीक है, स्टोर का मैंने एक फोल्डर बना लिया सबसे पहले रिडक्स करने के लिए। अच्छा, रिडक्स में होता क्या क्या है? रिडक्स में हमारे पास स्टोर्स होते हैं जहां हमारा डेटा सेव होता है, इसके अलावा एक्शन होते हैं। एक्शन किस लिए होते हैं? एक्शन में हम फंक्शंस बनाते हैं मल्टीपल जो अपनी एप्लीकेशन में हम यूज कर सके। ठीक है, और उसके अलावा रिड्यूसर्स होते हैं जो कि हमारा स्टोर होता है। स्टोर के अंदर मैं एक फोल्डर बना रहा हूं एक्शन के नाम से, सॉरी फाइल बन गई, इसको मैं डिलीट करके फोल्डर बना देता हूं। स्टोर के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया एक्शन के नाम से, एक और फोल्डर मैंने स्टोर के अंदर बना लिया रिड्यूसर के नाम से। ठीक है, दो फोल्डर मैंने यहां पे बना लिए, एक है एक्शन एक है रिड्यूसर। इसी के साथ साथ मैंने स्टोर के फोल्डर में एक फाइल बना ली इंडेक्स डॉट जेएस। ये फाइल मैंने इसलिए बनाई है कि इसमें मैं अपनी रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और रिडक्स को बताऊंगा कि ये फाइल में मेरा स्टोर है, उसको आप स्टोर बना दो। ठीक है, तो ये रिडक्स का स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं आ जाऊंगा सबसे पहले रेड्यूसर के अंदर, एक फाइल में बना लूंगा इंडेक्स डॉट जेएस। यहां पे मैं एक कांस्टेंट बना लेता हूं इनिशियल स्टेट। ठीक है, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट दे देता हूं ये के जो कि मेरी ग्लोबल स्टेट होगी। इसके अंदर यूजर्स की एक प्रॉपर्टी बना लेता हूं और एरे बना देता हूं। और एरे में एक यूजर मैंने बना दिया गॉस, और इसकी ईमेल मैंने दे दी boss@gmail.com। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ रेड्यूसर के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया इनिशियल स्टेट के नाम का। उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई है यूजर्स, और उसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जिसमें मैंने नेम दे दिया बॉस और ईमेल मैंने दे दी boss@gmail.com। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, इसके साथ साथ रेड्यूसर में मुझे एक फंक्शन बनाना होता है जिस फंक्शन में मैं अपनी स्टेट को अपडेट करवाता हूं और रिटर्न करवाता हूं। ठीक है, तो फंक्शन को मैं डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूं।
फंक्शन मैंने यहाँ पे बना लिया, और इस फंक्शन पे दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है हमारी इनिशियल स्टेट जिसको मैं डिफॉल्ट पैरामीटर में रख देता हूँ, और दूसरा होता है, अच्छा अभी फिलहाल एक ही रखते हैं इनिशियल स्टेट, और इसमें मैंने कर दिया रिटर्न स्टेट। ठीक है, मैंने क्या करा अभी तक, एक ऑब्जेक्ट बनाया इनिशियल स्टेट के नाम से, एक फंक्शन मैंने बनाया और उसके अंदर उस स्टेट को रिटर्न करवा दिया, तो ये मेरा रेड्यूसर एक कंप्लीट हो गया, बन गया। अब मैं इस रेड्यूसर को कॉन्फ़िगर करूंगा, रिडक्स को बताऊंगा कि मैंने रेड्यूसर बनाया, इसको स्टोर क्रिएट कर दो। तो स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आ जाऊंगा इंडेक्स डॉट जेएस में, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने रेड्यूसर को इम्पोर्ट कर लूंगा, मैंने कहा इम्पोर्ट रेड्यूसर फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे मैं रेड्यूसर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहां से उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करा है, इसको मैंने कोई नाम नहीं दिया। तो जब कोई फंक्शन आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते और उसको कोई नाम नहीं देते, तो आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं और उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैंने कहा इम्पोर्ट रेड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश रेड्यूसर, मैंने रेड्यूसर इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद मुझे इम्पोर्ट करना है क्रिएट स्टोर, मैंने कहा इम्पोर्ट क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। ठीक है, रिडक्स से मैंने क्रिएट स्टोर को इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्टेंट बनाया स्टोर के नाम से, उसमें मैंने क्रिएट स्टोर के मेथड को कॉल कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, और उस फंक्शन के अंदर मैंने अपना स्टोर पास कर दिया रेड्यूसर। ठीक है, और इसको मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। ठीक है, ये रेड्यूसर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा अच्छा ये होगा, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख ले, या मैं आपको कोड दे दूंगा, कि काफी टाइम ऐसा होता है कि रिडक्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है और कोड वगैरह जो है वो बंदा भूल जाता है, तो आप इसको अपने पास एक दफा लिख के रख ले अच्छा स्ट्रक्चर को, और जब भी आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में रिडक्स लगा रहे होंगे तो आप इसी कोड को फॉलो करेंगे, इसी कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन कर ली और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया स्टोर, तो स्टोर अब मेरा बन गया है। अब मुझे क्या करना है, अपने इस स्टोर को रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे होगा, आप अपनी सबसे मेन फाइल में आ जाएंगे, जो कि मेन फाइल कौन सी होती है, index.js। index.js में मैं आ गया और यहाँ पे मैंने अपने स्टोर को इंपोर्ट कर लिया, मैंने कहा इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम, कहाँ पे मैंने बनाया था, डॉट स्लैश स्टोर के अंदर। ठीक है, स्टोर के अंदर मैंने अपना स्टोर बनाया था। इसके साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, जो कि प्रोवाइडर है, मैंने कहा प्रोवाइडर फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट कर लेता, रिएक्ट रिडक्स से। रिएक्ट रिडक्स से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि रिएक्ट रिडक्स एक ऐसा पैकेज है जो कि रिडक्स को मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर देता है। यहां पे प्रोवाइडर ले लिया, अच्छा रिएक्ट डॉट स्ट्रिक मोड हटा देते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, यहां पे मैं प्रोवाइडर दे देता हूं और नीचे भी प्रोवाइडर दे देता हूं। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन होगी आप उसको प्रोवाइडर कंपोनेंट के चाइल्ड में रखेंगे, मतलब प्रोवाइडर कंपोनेंट के बीच में रखेंगे। ठीक है, और यहां पे मैंने ऐप रख दिया और प्रोवाइडर कंपोनेंट को मैं एक प्रॉप पास कर दूंगा, जो कि मेरा स्टोर होगा। प्रॉप का नाम जो होगा वो होगा स्टोर, और इसके अंदर जो वैल्यू मैं पास करूंगा वो मेरा पूरा रिडक्स का स्टोर होगा जो कि मैंने बनाया है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्टोर। ठीक है, ये हो गई मेरी रिडक्स मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट। तो अब इसको हमें चला के देख लें कि प्रॉपर चल रही है। मैंने रिफ्रेश करा तो देखिए कोई एरर मेरे पास नहीं आ रहा, कोई एरर मेरे पास नहीं आ रहा, बिल्कुल प्रॉपर मेरी एप्लीकेशन चल रही है। तो इसका मतलब रिडक्स जो है मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो गई है। अब करना यह है कि रिडक्स से डेटा गेट करना है मुझे अपने कंपोनेंट के अंदर,
रिडक्स से डेटा गेट कर रहे हैं अपने कंप्लेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा सबसे पहले कनेक्ट को। अच्छा कनेक्ट में यहाँ पे क्यों इंपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने इस कंप्लेंट को रिडक्स के साथ कनेक्ट करूंगा। अच्छा कनेक्ट कहां से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट रिडक्स से। और इस कंप्लेंट को मैं कनेक्ट कैसे करवाऊंगा कि जहां पे ये कंप्लेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा है वहां पे मैं लिखूंगा कनेक्ट, और इसको मैं राउंड ब्रैकेट बना दूंगा, और फंक्शन को अपने कंप्लेंट को भी मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा कंप्लेंट रिडक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा कनेक्ट जो है वो दो आर्गुमेंट आपसे लेता है, दो वैल्यू लेता है। पहली में आपसे लेता है रिडक्स की स्टेट, और दूसरी वैल्यू में आपसे लेता है रिडक्स के फंक्शन, मतलब एक्शन में जो आप फंक्शन बनाएंगे वो। तो यहां पे मैं एक कॉन्स्टेंट बना लेता हूं बैक स्टेट टू प्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर मैं नेम दे देता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं अभी फिलहाल बॉस, ठीक है। मैप स्टेट टू प्रॉप में कनेक्ट को पहली वैल्यू में दे देता हूं, दूसरी वैल्यू में मैं इसको देता हूं मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया, अभी मैं इसको नल दे देता हूं। तो पहले हम रिडक्स से डेटा गेट करना देख लेंगे और उसके बाद सेट करना देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको मैप स्टेट टू प्रॉप पास कर दिया, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैप स्टेट टू प्रॉप्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी मैं बनाऊंगा वो क्या कहां पे जाके सेव हो जाएगी, इस कंपोनेंट के प्रॉप्स में। तो यहां पे आके मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं दिस डॉट प्रॉप्स। तो चेक करते हैं कि नेम की प्रॉपर्टी प्रॉप्स के अंदर मुझे मिल गई या नहीं। तो मैंने कंसोल खोला तो देखिए प्रॉप्स के अंदर नेम की प्रॉपर्टी मुझे मिल गई जो कि गॉस है। ये तो मैंने हार्ड कोडेड दी है, अब मुझे इसके अंदर वो डेटा चाहिए जो कि मेरी ग्लोबल स्टेट में है। तो ग्लोबल स्टेट का डेटा कैसे मिलेगा, इसी फंक्शन में मुझे एक पैरामीटर मिलेगा, इसका नाम मैं रख देता हूं स्टेट, ठीक है। इस स्टेट को मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं, इस स्टेट के अंदर मुझे मेरी पूरी रिडक्स का डेटा मिल जाएगा। तो स्टेट डॉट जो भी मेरी प्रॉपर्टी का नाम है रिडक्स के स्टोर में वो मैं नाम दे दूंगा। तो प्रॉपर्टी का नाम जो था वो क्या था, प्रॉपर्टी का नाम था यूजर्स, तो मैं यहां पे दे दूंगा स्टेट डॉट यूजर्स। अच्छा यूजर्स में क्या रखा हुआ है, मैंने यहां पे यूजर से इसमें मैंने रखा हुआ है नेम बॉस, और ईमेल में रखा हुआ है boss@gmail.com, या ईमेल में थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ahmed@gmail.com। अब देखते हैं हमें प्रॉप्स में क्या मिल रहा है। मैंने रिफ्रेश करा, प्रॉप्स का ऑब्जेक्ट हमें मिला, तो देखिए नेम के अंदर एक एरे मिल गई और उसके अंदर मुझे डेटा मिल गया नेम गॉस, और ईमेल मुझे मिल गया ahmed@gmail.com। अच्छा प्रॉपर्टी का नाम जो है वो नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने होम के अंदर यहाँ पे नेम दिया हुआ है, तो मैं इसको कर देता हूँ यूजर्स। तो यहाँ पे देखे मुझे अब यूजर्स के नाम से रिडक्स का डेटा मिल जाएगा। तो कमेंट करके बता दे कि यहां तक किसको समझ में आ गया, अभी हमने सिर्फ रिडक्स से डेटा गेट करा है, सिर्फ रिडक्स से डेटा गेट करा है अपने कंपोनेंट के अंदर, यहां तक किसको समझ में आ गया। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र है सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा अब हमने देख लिया कि रिडक्स से हम डेटा गेट किस तरह कर रहे हैं अपने कंपोनेंट में, अब डेटा हमें सेट करना है। डेटा गेट तो हमने कर लिया रिडक्स से जो कि हमारी ग्लोबल स्टेट है, अब उसमें डेटा सेट करवा रहे हैं। तो डेटा सेट हम किस तरह करवाएंगे, जिस तरह मैंने मैप स्टेट टू प्रॉप्स का एक फंक्शन बनाया उसी तरह से मैं एक फंक्शन बना लूंगा मैप डिस्पैच टू प्रॉप का। ठीक है, और इसके अंदर मुझे डिस्पैच मिल जाएगा,
ठीक है। अब इसके अंदर मैं जो भी फंक्शन का लाभ दूंगा वो यहाँ पे फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं सेट डेटा का फंक्शन बना लेता हूँ। अच्छा लाभ भी नहीं है सेट डेटा का ही फंक्शन भले, क्या पता कुछ लोग समझ रहे हो कि सिर्फ सेट डेटा के नाम से ही फंक्शन बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, जो भी नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेट डेटा के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी और उसके अंदर मैंने रख दिया डिस्पैच, बल्कि पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने रखा डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर जो भी आप फंक्शन देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं। अब ये फंक्शन आपकी वर्दी है, आप फाइल में बना ले या एक्शन की अलग से आपने फाइल बनाएंगे उसमें बना ले। अच्छा तरीका यह है कि आप डिस्पैच के अंदर जो फंक्शन पास करेंगे वो आप अलग फाइल में ही बनाए। तो अच्छा तरीका क्या है, जो भी आप डिस्पैच में फंक्शन पास करेंगे वो अलग सेपरेट फाइल में बनाए। कौन सी फाइल में बनाए, जो कि हमने स्टोर के फोल्डर में एक्शन बनाई है उसमें हम बनाएंगे। तो मैं एक्शन के फोल्डर में आ गया, यहां पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली इंडेक्स डॉट जेस, एक फंक्शन में बना लेता हूं सेट डेटा का, और यहां पे सिंपल में कंसोल करा रहा हूं रनिंग। और इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट सेट डेटा। एक्शन की फाइल में मैंने क्या करा, सिर्फ एक फंक्शन बनाया सेट डेटा के नाम से और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं इंपोर्ट कर लूंगा अपने हॉप के कंपोनेंट में, मैंने कहा इंपोर्ट सेट डेटा फ्रॉम, कहां पे बनाया था, डॉट स्लैश स्टोर और एक्शन। एक्शन के अंदर मैंने फंक्शन बनाया था, चेक भी कर लेते हैं कंट्रोल दबा के, बिल्कुल इस फंक्शन पे ये ला रहा है। मैंने ये फंक्शन इंपोर्ट कर लिया और डिस्पैच के अंदर इसको मैंने कॉल करवा दिया, ठीक है जी, क्लियर है सबको ये चीज। डिस्पैच के अंदर मैंने इसको कॉल करवा दिया। अब मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूं, बटन इसका नाम मैं रख देता हूं सेट डेटा, और इसके ऑल क्लिक पे मैं वो फंक्शन कॉल कर देता हूँ। अच्छा अब हमें कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये जो मैंने मैप डिस्पैच टू प्रॉप में बनाया ये वाला, या जो इंडेक्स डॉट जेएस में बनाया वो वाला। जाहिर सी बात है मैप इस डिस्पैच टू प्रॉप्स मैंने जो बनाया है इसके अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूँ वो प्रॉप्स में जाके सेव हो रही है। तो ये एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ये वाले लर्ब से मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप कनेक्ट के अंदर भी पास कर देता हूं, जो पहले नल मैंने पास करा हुआ था, ठीक है, और ऑन क्लिक पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूं। मैंने कहा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सेट डेटा, सेट डेटा का मैंने फंक्शन कॉल कर दिया, और देखे सेट डेटा में मैंने क्या लिखा है, एक्शन के अंदर मैंने सेट डेटा में कंसोल डॉट लॉग लगाया हुआ है रनिंग। तो अब चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा चल रहा है या नहीं। मैंने सेट डेटा कॉल करा तो रनिंग, देखे ये फंक्शन चल रहा है लेकिन इसके साथ साथ एरर भी दे रहा है, ठीक है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्पैच रिटर्न करना पड़ेगा और इसके साथ साथ हमें मिडिल वेयर भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एरर क्या दे रहा है, एक्शंस मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट यूज कस्टम मिडिल वेयर फॉर एसिंक एक्शंस, ठीक है। यहां पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा एक और फंक्शन जिसमें मुझे मिल रहा होगा डिस्पैच, ठीक है, और इसके अंदर मुझे डिस्पैच को कॉल करना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा, रिडक्स के अंदर अप्लाई मिडिलवेयर करना होगा। तो अप्लाई मिडिलवेयर करने के लिए हम दोबारा से स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ जाएंगे, यहां पे आके हम इंपोर्ट करेंगे थग फ्रॉम रिडक्स थग, ठीक है, थग को मैंने इंपोर्ट कर लिया रिडक्स थग से, और अप्लाई मिडिलवेयर को मैंने इंपोर्ट कर लिया रिडक्स से, अप्लाई मिडिलवेयर को मैंने इंपोर्ट कर लिया रिडक्स से। और ये अप्लाई कैसे होगा,
जहां पे मैं क्रिएट स्टोर कर रहा हूँ वहां पे मैंने रिड्यूसर लिखा और कॉमा डाल के मैंने कहा अप्लाई मिडिलवेयर और इसके अंदर मैंने बोल दिया थंक, तो इससे मिडिलवेयर अप्लाई हो जाएगा। तो अब चला के देख लेते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा। अच्छा अभी एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न दे दिया। डिस्पैच के अंदर हम ये पास भी कर देते हैं, मैंने कहा डिस्पैच टाइप सेट डेटा और इसके अंदर डेटा हम अभी फिलहाल पास कर देते हैं हार्ड कोडेड गौस अहमद। चेक भी कर लेते हैं अपने पुराने वाले फंक्शन से जो हमने बनाया था, बिल्कुल उसी तरह है ये, बिल्कुल उसी तरह है, या इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे भेज देता हूँ हार्ड कोडेड गौस अहमद। चला लेते हैं इसको, मैं सेट डेटा करता हूँ। अच्छा कंसोल मैंने नहीं कराया, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इसको मैं बोल देता हूँ रनिंग ठीक है। चेक कर लेते हैं चला के, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने सेट डेटा करा तो ये रनिंग मेरे पास लिखा हुआ आ गया। तो मिडिलवेयर मैंने कैसे अप्लाई करी मैं एक दफा दोबारा बता देता हूँ। मिडिलवेयर अप्लाई करने के लिए आपको स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आना है, आपको इंपोर्ट करना है अप्लाई मिडिलवेयर फ्रॉम रिडक्स, इसके साथ साथ आपको इंपोर्ट करना है थंब फ्रॉम रिडक्स थंब ठीक है, और क्रिएट स्टोर जहां पे हमने करा था रिड्यूसर कॉमा डाल के आप अप्लाई मिडिलवेयर को कॉल करेंगे और उसके अंदर थंब को पास कर देंगे। सिर्फ ये दो छोटे से काम करना है, अप्लाई मिडिलवेयर इंपोर्ट करना है, थंब इंपोर्ट करना है, उसके बाद कॉमा डाल के अप्लाई मिडिलवेयर और उसके अंदर थंब पास कर देना है, तो इससे मिडिलवेयर रिडक्स के साथ अप्लाई हो जाएगा। और फिर एक्शन की फाइल में आके कोई भी फंक्शन हम चला सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूं दोबारा, मैं कहा सेट डेटा, तो देखिए यहाँ पे रनिंग लिखा हुआ आ गया। अच्छा रनिंग लिखा हुआ आ रहा है, रनिंग के साथ साथ यहाँ पे मैं एक डिस्पैच का फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ। ये डिस्पैच का फंक्शन क्या करता है मैं बता देता हूँ बगैर डिस्पैच के। देखें अगर मैं फंक्शन कॉल करता हूँ अभी कुछ भी नहीं हो रहा, डिस्पैच हमें इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर मिल रहा है। अच्छा ये डिस्पैच है क्या, कि डिस्पैच भी ऐसे समझ लें कि एक फंक्शन है, डिस्पैच को भी आप अभी ऐसा समझ लें कि ये एक फंक्शन है, आप इसको जब कॉल करते हैं और इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, इसको मैंने कह दिया टाइप, टाइप मैंने इसको बोल दी है गॉस ठीक है, टाइप मैंने इसको बोल दी गॉस और डिस्पैच को मैंने कॉल कर दिया। अच्छा जब डिस्पैच कॉल होगा होगा क्या, डिस्पैच जैसी ही कॉल होगा ये चला जाएगा रिड्यूसर की फाइल में, और रिड्यूसर की फाइल में जो फंक्शन हमने बनाया था ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा, और इस फंक्शन के सेकेंड आर्गुमेंट में हमें मिलेगा डिस्पैच का डेटा। इसका नाम वैसे स्टैंडर्ड है एक्शन हम रखते हैं, अगर नेम कुछ और भी रख दें तो कोई मसला नहीं है। तो एक्शन के अंदर जब मैं एक्शन को कंसोल करवाऊंगा तो जो भी डिस्पैच में मैंने डेटा पास करा होगा वो मुझे यहां पे मिल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, मैंने कहा एक्शन, अब डिस्पैच के अंदर जो भी डेटा मैं भेज रहा हूं, अभी देखिए डिस्पैच में मैं क्या भेज रहा हूं, मैंने कहा डिस्पैच एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने रख दी टाइप और उसके अंदर मैंने भेज दिया गॉस। तो देख लेते हैं इसको चला के, मैंने रिफ्रेश कर लिया दोबारा से, मैंने सेट डेटा करा, तो देखें एक्शन वाला फंक्शन कॉल हो गया, उसके बाद रिड्यूसर में जो फंक्शन मैंने आपको बताया था दोबारा चलेगा वो चल गया, और एक्शन के अंदर मुझे कौन सा डेटा मिल गया जो कि मैंने डिस्पैच में पास करा था, टाइप मिल गई गॉस। अच्छा डिस्पैच का डेटा अगर मैं चेंज कर दूं, टाइप को मैं यहाँ पे लिख दूं, टाइप की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नेम अहमद, तो अब देखें डिस्पैच के अंदर जो भी डेटा मैं पास कर रहा हूं वही मुझे एक्शन में मिलेगा। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने कहा सेट डेटा, अच्छा एरर आ गया, मतलब इसमें जो है टाइप देना वो लाजमी है, टाइप के अलावा जो आप देना चाहें दे सकते हैं, टाइप मैंने यहाँ पे दे दी सेट डेटा, और उसके बाद मैं लिख देता हूं नेम और यहां पे मैं दे देता हूं गॉस।
तो टाइप देना इसमें लाजमी है क्योंकि हमें इसको टाइप बतानी होती है। टाइप से ही हमें पता चल सकेगा कि क्या अपडेशन हम करना चाह रहे हैं, क्या चेंज हम करना चाह रहे हैं। मैंने रिफ्रेश करा दोबारा से, सेट डेटा करा, तो देखें एक्शन के अंदर मुझे नेम मिल गया गॉस, ठीक है। डिस्पैच में मैंने जो भी डेटा पास करा वो यहां पे मुझे मिल गया। नेम को मैं कर देता हूं अहमद, दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं करता हूं सेट डेटा, तो देखें यहां पे मुझे मिल गया अहमद। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा उम्मीद है कि एक्शन में फंक्शन किस तरह हमने बनाया और डिस्पैच हमने किस तरह कॉल करा। अच्छा, अब एक्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे इफ एल्स भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करें। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्विच एक्शन डॉट टाइप, अगर हो कैस हो सेट डेटा, तो क्या कर देना, अच्छा मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूं थोड़ा सा, किसी को ही, ठीक है। केस मैंने दे दिया सेट डेटा और मैंने इसको कहा कि एक्शन डॉट टाइप केस हो अगर सेट डेटा तो क्या कर दो। अच्छा, स्विच के अंदर जो भी चीज हम रिटर्न करेंगे वो क्या करेगा, इस स्टेट में जाके सेव करवा देगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक्शन के अंदर मेरे पास जो भी डेटा आएगा उस डेटा को मैं अपनी स्टेट में सेव करा दूंगा। तो एक्शन में मैं आप नेम की जगह पास कर देता हूं यूजर, और इसके अंदर मैं रख देता हूं डेटा नेम उमेर, और ईमेल में रख देता हूं umer@gmail.com, ठीक है। ये डेटा मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब इसको दोबारा चला के देख लेते हैं कि क्या मिल रहा है। मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा, तो देखें एक्शन के अंदर टाइप मिल रही है सेट डेटा और यूजर मिल रहा है जो कि हमने वहां से यूजर पास करा है उमेर, और umer@gmail.com। ठीक है, तो जो भी डिस्पैच में हमने डेटा पास करा वो हमें एक्शन के अंदर मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टेट को अपडेट करवाएंगे। किस तरह अपडेट करवाएंगे, यहां पे अगर मैं लिख दूं इस तरह से प्रॉपर्टी यूजर्स और इसके अंदर मैं डायरेक्टली पास कर दूं एम्प्टी एरे, तो क्या होगा, सेट डेटा की जब टाइप इसको मिलेगी ये स्टेट के अंदर जाएगा और एम्प्टी एरे सेव कर देगा। तो ये भी चला के हम देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने सेट डेटा करा, तो देखिए इसने एरे को एम्प्टी कर दिया। ठीक है, यहां पे हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है, इसने एरे को खाली कर दिया। अगर मैं इसके अंदर एम्प्टी एरे की जगह यहां पे मैं लिख दूं खाली, मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा पे क्लिक करा, तो देखिए अब यूजर्स के अंदर मुझे काम क्या मिल रहा है, खाली। अच्छा, ये कंसोल कहाँ लगाया हुआ है ये भी मैं जरा आपको बता दूं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये मैंने लगाया हुआ है होम प्रॉप्स। रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा, खाली आ गया। खाली कहां पे आया, होम प्रॉप्स के अंदर, मतलब ये डेटा मुझे होम वाले कंपोनेंट में मिला जो कि अपडेटेड है। और ये अपडेट किस तरह हुआ, जब मैंने सेट डेटा का फंक्शन कॉल करा, यहां पे मैंने सेट डेटा का फंक्शन कॉल करा, एक्शन में आ गया, एक्शन में इसने डिस्पैच कॉल करा और डिस्पैच के अंदर इसने टाइप रख दी सेट डेटा और उसके अंदर यूजर भेज दिया। और जैसे ही डिस्पैच कॉल हुआ ये आ जाएगा रिड्यूसर के अंदर और रिड्यूसर वाला जो फंक्शन है उसको दोबारा से रन कर देगा। और यहां पे मैंने लगाया हुआ है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट क्या करता है ये आपको पता है, एक्शन, अच्छा जो भी डेटा डिस्पैच में हमने पास करा वो हमें एक्शन में मिल गया और एक्शन डॉट टाइप हमने स्विच में रख दी। और मैंने कहा अगर केस हो सेट डेटा तो रिटर्न कर दो आप पूरी स्टेट और स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको अपडेट कर दो खाली। तो इस वजह से जब मैं सेट डेटा कॉल कर रहा हूं वो मुझे खाली रिटर्न कर रहा है। मैंने सेट डेटा करा तो देखिए यूजर्स में आ रहा है खाली। अब खाली की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा एक्शन डॉट क्या था यूजर, एक्शन डॉट यूजर।
अब जो भी यूजर मुझे एक्शन में मिलेगा वो इसको यहाँ पे सेट करवा देगा। चेक कर लेते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने सेट डेटा करा तो देखें यूजर के अंदर इसने उमेर को सेट करवा दिया। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यूजर जो पहले से वो भी रहे और जो न्यू आ रहा है वो भी ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाला तरीका यूज कर लेता हूं। मैंने एरे बनाया, स्प्रेड ऑपरेटर मैंने यूज किया, डिपल डॉट मैंने कहा स्टेट डॉट यूजर्स और कॉमा डाल के मैंने कहा एक्शन डॉट यूजर। अब क्या होगा, गॉस भी रहेगा और गॉस के साथ साथ जो भी एक्शन में डेटा मिलेगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, सेट डेटा करा तो देखें एरे की लेंथ 2 हो गई है और इसमें गॉस का भी डेटा आ गया और उमेर का भी डेटा आ गया। तो बस यहां तक है हमारी रिडक्स, हमने देख लिया डेटा हम किस तरह गेट कर रहे हैं और डेटा हम किस तरह सेट कर रहे हैं। अभी मैंने एक ही एक्शन बनाया है, अभी मैंने स्विच का एक ही केस बनाया है, ठीक है, मल्टीपल केस भी बन सकते हैं। यहाँ पे आप सेट चैट डेटा भी कर सकते हैं, दूसरी टाइप भी बना सकते हैं, मल्टीपल स्विच केस बना सकते हैं, मल्टीपल एक्शंस आप बना सकते हैं, मल्टीपल रेड्यूसर्स आप बना सकते हैं। अभी हमने क्या करा, सिर्फ एग्जांपल के लिए सिंगल रेड्यूसर बनाया और उससे डेटा गेट करना देख लिया और उसमें डेटा सेट करना देख लिया। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो कमेंट करके बता दें कि किस किस को समझ में आ गया। डिस्पैच में एक से ज्यादा टाइप नहीं लगा सकते, आप डिस्पैच एक से ज्यादा कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिस्पैच कॉल करा सेट डेटा, आपने नीचे एक और डिस्पैच कॉल कर दिया और उसमें अलग कोई टाइप भेज दी, तो आप डिस्पैच मल्टीपल भेज सकते हैं। सेट चैट की मैंने एक और डिस्पैच बना दिया, तो मल्टीपल डिस्पैच आप कॉल कर सकते हैं लेकिन एक ही डिस्पैच में दो टाइप नहीं भेज सकते, तो आप मल्टीपल डिस्पैच भेज सकते हैं। अगर और कोई किसी का सवाल है तो कर ले, और ये भी बता दें किसी को रिडक्स अब समझ में आ गई है। कहाँ गए सब, चले गए क्या, सो गए? कमेंट करके बताते हैं भाई, 100 लोग हैं अभी। अच्छा, अभी तो हमने चैट ऐप भी नहीं बनाई और रिडक्स समझ में नहीं आई आपको, अब आ गई होगी उम्मीद है समझ में रिडक्स, क्योंकि हमने 2-3 बार समझा दी है। अच्छा, शायद कमेंट्स हमारे पास नहीं आ रहे। हाँ जी, क्लियर कमेंट है तो क्लियर है, तो चैट ऐप बनाए फिर बना दे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि सिर्फ फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं, जितना होता है उतना कर लेते हैं आज चैट ऐप, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाहिर सी बात है। भाई आप स्प्रेड ऑपरेटर भी बताएं, स्विच स्टेटमेंट भी बताएं, तो फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? भाई 100 में से अगर 70 नहीं, अगर 50 भी समझ में आ गई ना तो बहुत है, बाकी प्रैक्टिस से आएगी आपको। ठीक है, तो हम फेसबुक लॉगिन कर लेते हैं और बाकी चीजें जो है फिर वो बाद में करते हैं।
चलें जी, फेसबुक लॉगिन हम आज करके रख देते हैं, या अगर टाइम हुआ तो हम चैट ऐप भी निपटा देंगे पूरी। मैं आ गया firebase.google.com पर, फायरबेस को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन के साथ। शादी होगी भाई कॉफ की। सर अली ने मिठाई खिलाई है, पता नहीं किस खुशी की है। तो वो आपका अकाउंट यूज कर लो सर, मैं फायरबेस के लिए मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो खाली। तो एक प्रोजेक्ट में नया क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा कमेंट भी आना शुरू हो गया है, हल्की सी भी बात करते हैं ना तो सुन ले। आपको भी मिठाई खिलाएंगे बिल्कुल, जब आप बल्कि हमने आप खिलाएंगे जब आप डॉलर कमाना शुरू कर देंगे। आप तो फ्रीलांसिंग भी सबने पढ़ लिए। अभी जितना हो रहा है हम कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही करेंगे। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन में कर लेता हूँ, इसका नाम में रख लेता हूँ चैट ऐप। ठीक है, मैं इसको अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं आ गया कॉन्फ़िग के फोल्डर में, मैंने यहाँ पे बना ली एक फायरबेस डॉट जेस की फाइल, इंपोर्ट मैंने कर लिया फायरबेस। फ्रॉम फायरबेस ऐप, ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने इंपोर्ट कर लिया क्या मैं यूज करने वाला हूँ फायरबेस का ऑथेंटिकेशन, और इसके साथ साथ मैं क्या यूज करूंगा इंपोर्ट फायरबेस डेटाबेस। एक मैं ऑथ यूज करूंगा और मैं एक डेटाबेस यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फायरबेस की एपीआई कॉपी करके लगा दी। अच्छा उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा, ये डीप में बताने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, आप फायरबेस ऐप इनिशियलाइज जो हो रहा है उसको मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देना है। मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप फायरबेस कॉन्फ़िग। तो फायरबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने कंप्लीट कर लिए। अब मुझे फेसबुक लॉगिन करना था। फेसबुक लॉगिन किस तरह होता था कि मैं ऑथेंटिकेशन में आ गया, साइन इन मेथड में मैं आ गया, यहाँ पे आके फेसबुक को मैंने इनेबल कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट, तो ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट इसको दे देते हैं। मैं developer.facebook.com खोल लेता हूँ अपना। लॉग इन, developer.facebook.com पे मैं लॉग इन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐप क्रिएट करके ऐप आईडी और ऐप सीक्रेट गेट कर सकता हूँ। वेरिफिकेशन मांग रहा है तो उसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
ठीक है जी, मैंने developer.facebook.com पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको याद होगा हम ऐप क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, फेसबुक लॉगिन तो सबको आता ही होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ थोड़ा। मैं आ गया माय ऐप्स में। भाई अपनी आईडी मैंने खोली है, किसी और की हम क्यों खोलेंगे। मैं आ गया इस कौन सा प्रोजेक्ट लें, हम ले लेते हैं थर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एक ऐप मेरे पास पहले से बनी हुई थी जिसका नाम है थर्ड प्रैक्टिस, तो ये वाली ऐप मैंने सेलेक्ट कर लिए। इसकी मैं सेटिंग में आ गया, बेसिक में आ गया। यहाँ पे ऐप आईडी भी मुझे नजर आ रही है और ऐप सीक्रेट भी नजर आ रहा है। ऐप सीक्रेट को मैं शो कर देता हूँ। ऐप आईडी मैंने कॉपी करी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। इसी तरह से मैंने ऐप सीक्रेट कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो वेब एंड मोबाइल का और हैंडलर यूआरएल है इसको मुझे कॉपी कर लेना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये हो गया सेव। अब उस यूआरएल को आके मुझे कहाँ पे पेस्ट करना है। मैं आ गया फेसबुक लॉगिन सेटिंग, फेसबुक लॉगिन में आ गया, सेटिंग में आ गया और यहाँ पे आके ये वाला यूआरएल में हटा देता हूँ और अपना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैंने कर दिया सेव चेंज। ठीक है, सेव चेंज कर दिया। इसको लाइव भी हम कर देते हैं, अभी डेवलपमेंट में है। ठीक है जी, मैंने इसको लाइव कर दिया और सेव चेंज कर दिया। ठीक है, मैंने ऐप आईडी भी लगा दी, ऐप सीक्रेट भी लगा दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन में। मैंने कहा फायरबेस फेसबुक लॉगिन वेब, डॉक्यूमेंटेशन में मैं आ गया। अच्छा, सबसे पहले मैं आ गया अपने होम के कंपोनेंट में। यहाँ पे मैंने इस बटन का नाम रख दिया फेसबुक लॉगिन, यही वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं, इसी फंक्शन में हम कर लेंगे, बल्कि अलग से एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक और बटन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया फेसबुक लॉगिन। ठीक हो गया। अब फेसबुक लॉगिन पे मुझे एक फंक्शन कॉल करना है और ये वाला जो फंक्शन है वो भी मैं एक्शन की फाइल में बना लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे कहा ऑन क्लिक। अच्छा, पहले फंक्शन बनेगा, मैं आ गया एक्शन की फाइल में। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया नया, इसका नाम मैंने रख दिया फेसबुक लॉगिन। ठीक है जी, फेसबुक लॉगिन का मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया और इस फंक्शन को मैंने अपने होम की फाइल में इंपोर्ट करवा लिया और मैप डिस्पेच टू प्रॉप्स में भी इसको मैंने ऐड करवा दिया। इसका नाम मैंने रख दिया फेसबुक लॉगिन और इसको भी मैंने रख दिया फेसबुक लॉगिन। तो फेसबुक लॉगिन वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब मैं इसको कॉल कर दूंगा फेसबुक लॉगिन वाले बटन पे। मैंने कहा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट फेसबुक लॉगिन। इस फंक्शन को चला के मैं देख लेता हूँ ये चल रहा है या नहीं। इसको मैं कंसोल करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फेसबुक लॉगिन। चेक कर लेते हैं फंक्शन चला के चल रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने फेसबुक लॉगिन पे क्लिक करा तो बिल्कुल ये फंक्शन चल रहा है। एरर क्यों आ रहा है ये आपको पता होगा, तो ये भी हम लगा देते हैं हाथ के हाथ ताकि एरर भी ना आए। ठीक है, फेसबुक लॉगिन का जो फंक्शन है वो मैंने अभी सिर्फ बनाया है, फेसबुक लॉगिन कर रहा हूँ, फेसबुक लॉगिन का फंक्शन चल रहा है। अब फायरबेस के स्टेप्स में फॉलो कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रोवाइडर मुझे लगाना होगा। अच्छा, फायरबेस को इंपोर्ट कराना होगा। सबसे पहले मैंने कहा इंपोर्ट फायरबेस। फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहाँ पे करी थी, कॉन्फ़िग के फोल्डर में।
फ्रॉग डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश फायरबेस। ठीक है, फायरबेस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आके मैंने ये प्रोवाइडर वाली लाइन कॉपी करी, पेस्ट कर दी। अच्छा, इसके साथ हम क्या करते थे, प्रोवाइडर सेट कस्टम पैरामीटर कर देते पॉपअप, ठीक है, ताकि ये पॉपअप ही खोले। और इसके बाद हम करेंगे फायरबेस डॉट ऑथ साइन इन विद पॉपअप प्रोवाइडर। अच्छा, ये भी अगर हम ना लगाए तो ये भी ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं। तो ये वाला हम फंक्शन लगा देते हैं, मैंने ये वाला फंक्शन पेस्ट कर दिया। और डॉट देन के अंदर मैं यूजर को कंसोल करा लेता हूं। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं निशानी भी लगा देता हूँ ताकि पता चल जाए कि यूजर हमें मिल गया है या नहीं। और इसके साथ साथ मैं एरर को भी कंसोल करा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एरर मैसेज को कंसोल करा लिया, एरर मैसेज। ठीक है जी, अब इसको हम चला के देखेंगे क्या रिस्पांस हमें मिल रहा है। मैं आया ब्राउजर पे, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने कहा फेसबुक लॉगिन, तो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, फायरबेस ऑथ प्रोवाइडर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो देख लेते हैं क्या मसला दे रहा है। फायरबेस डॉट ऑथ डॉट फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने ऑथ को इम्पोर्ट भी कर लिया है। इस तरह अगर इसको हम करें, अच्छा डायरेक्टली मैंने पहले इंपोर्ट करा था, अब मैं इसको फायरबेस का नाम से एक वेरिएबल बना के फिर यहां मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब इसको चला के हम देख लेते हैं। अच्छा, अब भी एरर आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, तो ये चल गया है। एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि डायरेक्टली यहां पे हमें फायरबेस को इंपोर्ट करना था। अच्छा, अब ज्यादातर इशू आप लोगों को ये आ रहा होगा कि क्या बोल रहा है, फेसबुक हैज डिटेक्ट थर्ड प्रैक्टिस इज नॉट यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। अच्छा, पहले जो था वो फेसबुक लॉगिन आराम से हो जाया करता था, अब ये वाला एरर क्यों आ रहा है कि ये बोलता है कि जहां से भी आप फेसबुक लॉगिन करना चाह रहे हो उसमें सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए। सिक्योर कनेक्शन से मतलब क्या होता है कि जो मेरा यूआरएल है, एक यूआरएल होता है एचटीटीपी और फिर www.google.com समथिंग कुछ, और एक यूआरएल होता है https। ठीक है, जैसे कि गिटहब मैंने खोला तो यहाँ पे https आ रहा है, और मैंने फायरबेस खोला तो यहाँ पे भी https आ रहा है। तो ये सिक्योर कनेक्शन होते हैं, तो फायरबेस मांगता है सिक्योर कनेक्शन। अब इसका तरीका क्या है कि मैं अपनी एप्लीकेशन को या तो फायरबेस पर डिप्लॉय कर दूं, क्योंकि जब हम फायरबेस पर डिप्लॉय करते हैं तो हमें https मिल जाता है, तो वो सिक्योर कनेक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है, या इसका एक और तरीका होता है कि क्रोम से मैं सिक्योर कनेक्शन वाली जो रिक्वेस्ट है वो मैं बंद कर दूं। अच्छा, वो कैसे बंद होती है हम देख लेते हैं।
अच्छा क्रोम की कोई सेटिंग होती है जिससे हम HTTPS को बंद कर देते हैं, या तो हम ये कर लेंगे या फिर हम इसको फायरबेस पे डिप्लॉय करके चेक करेंगे। यहाँ पे मैंने नो प्रोटेक्शन कर दिया, मैनेज सर्टिफिकेट्स में गया है, क्लोज कर दिया, इसको देख लेते हैं चला के, मैंने इसको डिसेबल कर दिया। मैंने इसको दोबारा से चलाया तो अब भी ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमें इसको लाजमी फायरबेस पे डिप्लॉय करना होगा, उसके बाद जाके ये चलेगा। मैंने एक सेटिंग देखी थी जिससे ये बंद हो गया था ना, तो वो सेटिंग अभी नहीं नजर आ रही। अच्छा अगर किसी ने ये कर लिए है कि क्रोम की सेटिंग अगर किसी ने देख ली हो जिससे सिक्योर कनेक्शन वाला जो मसला है वो खत्म हो गया, तो कमेंट करके हमें बता दें ताकि मैं देख लूँ वो। तो अगर किसी ने सेटिंग देख ली हो तो बता दें हमें, तो अभी ट्राई कर लेते हैं वरना फिर ये मुझे देखनी पड़ेगी। वरना इसको हमें करना ये होगा कि जब हम इसको फायरबेस पर डिप्लॉय कर देंगे तो जब ये चल जाएगा। देखिए वरना अभी जब मैं लोकल होस्ट कॉपी कर रहा हूँ तो ये HTTP आ रहा है जिसकी वजह से हमारा ये इश्यू आ रहा है, लोकल होस्ट में HTTP आ रहा है क्योंकि ये सिक्योर कनेक्शन नहीं है। जब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे फायरबेस के ऊपर तो ये HTTP नहीं फिर आ रहा होगा, HTTPS, तो जाके फिर ये फेसबुक लॉगिन हमारा चल जाएगा। तो इसके अलावा क्रोम की एक सेटिंग होती है जो कि मुझे अभी मिल नहीं रही है, अगर वो हम कर देते हैं तो फिर ये सिक्योर कनेक्शन नहीं मांगता। क्रोम सेटिंग में जाए वहाँ सिक्योरिटी टर्न ऑफ करते हैं। क्रोम सेटिंग में मैं आ गया, यहाँ पे नो प्रोटेक्शन टर्न ऑफ कर दी मैंने, उसके बाद भी वो नहीं चला था। फायरबेस पे डिप्लॉय थोड़ा टाइम लेगा, या कर देंगे कोई मसला नहीं, कर दें या ऐसा कर लेते हैं। देखिए डिप्लॉय अगर फायरबेस पे करेंगे ना तो फिर हम चैट एप्लीकेशन भी कैसे बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें हमें करके दोबारा दोबारा फायरबेस पे डिप्लॉय करना होगा। तो अब एक काम ये करते हैं कि आज हम इतना ही रखते हैं, और बाकी रिडक्स हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पढ़ ली आज। नेक्स्ट क्लास में हम क्या फेसबुक लॉगिन का ये वाला मसला देख लेते हैं कि क्रोम की कौन सी सेटिंग है जिससे ये इश्यू सॉल्व होगा, और इसके साथ साथ पूरी चैट अब हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी, तो आज हम इतना ही रखते हैं, उम्मीद है सबको रिडक्स क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फेसबुक लॉगिन वाला भी इश्यू देख लेंगे और चैट ऐप को कंप्लीट भी कर लेंगे।
आउट ऑफ मेमोरी किस में एरर आ रहा है? फायरबेस में। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिडक्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो जल्दी से पूछ लें, और उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फेसबुक लॉगिन भी कर लेंगे और चैट ऐप भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए जी, एक हमारा जो आज का टारगेट था कि हम आप लोगों को जो है चैट एप्लीकेशन हम बनाना सिखा दें, बट डेफिनेटली आप लोगों के अपने कुछ इश्यूज थे जिसमें आप लोगों को रिडक्स नहीं समझ में आ रही थी, तो जिस वजह से आपको ये चीज़ डिटेल में सिखाई गई है। ओएलएक्स की जो डेडलाइन है इज स्टिल 1 नवंबर। इंशाल्लाह ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा लिंक, आप उसमें सबमिट करवाएं। जो भी आपका गिटहब होगा आप उसमें गिटहब में डालें, मेक श्योर नोट मॉड्यूल्स आप अपने ना डालिएगा। आवाज़ नहीं आ रही? मेक श्योर कि आप लोग जो है उसमें नोट मॉड्यूल्स नहीं डालिएगा, उसको इग्नोर कीजिएगा गेटिंग नोट के थ्रू, और उसको होस्ट करके फायरबेस में आप ओएलएक्स की ऐप हमें सबमिट करवाएंगे। हम इंशाल्लाह ओएलएक्स की ईच एंड एवरी कैंडिडेट की जो बाकायदा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर किसी का 50% रहता है, किसी का मोर देन 50% रहता है, या किसी का बहुत थोड़ा रहता है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको मैक्सिमम फ्राइडे तक का टारगेट रखें एंड कंप्लीटेड बाय दैट टाइम। तो सही है भाई, एंड कंप्लीटेड बाय दैट टाइम। तो बाकी इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ओएलएक्स की हेल्प डेस्क। ठीक है, क्या ओएलएक्स की क्या हेल्प डेस्क, क्या हेल्प डेस्क में आप क्या चाह रहे हैं ओएलएक्स की? बस ओएलएक्स का रेप्लिका बनाना है आप लोगों को, पूरा 1 महीना था आपके पास। जबरदस्त हो गया अली रैन, तो कर दो दी भाई, 1 नवंबर कर दी, आज लास्ट डेट थी, हमने 1 नवंबर कर दी। आप लोग 1 नवंबर तक इसको कंप्लीट लाजिम और मज़ूम कर दें। ओएलएक्स की फंक्शनैलिटी नहीं पता आप लोगों को? ओएलएक्स में क्या काम होता है? ई कॉमर्स है, काइंड ऑफ ई कॉमर्स है, सेल है, फिल्टर है, ये सारी चीज़ें होती है। आप उसमें अपना मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% बनाए, बट यू हैव टू मेक सच थिंग विच शुड बी द लाइक समहाउ सेम ऑफ ओ लाइक समहाउ नॉट कंप्लीटली। आउट ऑफ मेमोरी वाला क्या क्या एरर आ रहा है आपको? चले हेल्प डेस्क के हवाले से हम इंशाल्लाह करते हैं और आप लोगों के लिए कोई रास्ता निकालते हैं, बट यार आप लोग मेहनत करें, कोशिश करें, हिम्मत पकड़ें, इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, यार ये तो आप लोगों को खुद देखना है ना यार, लॉजिक बनाए। आप इतना मतलब 8 महीने क्लासेस के बाद भी आप अगर लॉजिक नहीं बना सकते हैं तो दिस इज अ प्लेस फॉर टू थिंग।
चलें जी, फॉर नाउ वी आर साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह मेहरबान।